हे एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम रिवर्स इंडिया को कवर करेंगे। ये कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होने वाली है और इसमें हम ऑलमोस्ट जो भी क्वेश्चंस रिवर्स ऑफ इंडिया के ऊपर डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, आई होप एट द एंड ऑफ दिस वीडियो जो भी क्वेश्चंस आपको रिवर्स ऑफ इंडिया के ऊपर पूछे जा सकते हैं वो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। बिफोर आई बिगिन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो उनके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। मैं स्टार्ट नहीं करूंगा विद द डिवीजन। आपने शायद पढ़ा होगा कि जब हम रिवर्स को पढ़ते हैं, इंडियन रिवर्स को, तो जो ऊपर वाली रिवर्स आती है, जो ऊपर वाली नॉर्थ में जो रिवर्स आती है उनको हम नॉर्दर्न रिवर्स कहते हैं या फिर हिमालयन रिवर्स कहते हैं, और जो नीचे पेनिनसुला में जो रिवर्स आती है उनको हम पेनिनसुला रिवर्स कहते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक मैप आपके दिमाग में छप जाए जिसको आप रिकॉल करते रहो। जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन इंडियन रिवर्स के ऊपर पूछा जाए तो वो मैप आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पे एक आउटलाइन लेंगे इंडियन मैप की। आई होप कि आपको पता होगी कि यहाँ पे ये पाकिस्तान है, दिस इज चाइना, दिस इज नेपाल, दिस इज भूटान एंड दिस इज बांग्लादेश, नीचे अरेबियन सी एंड ये बे ऑफ बंगाल है। अब ये डिफरेंट स्टेट्स भी इसमें दी हुई है। आई वुड रिकमेंड कि आप इन स्टेट्स को भी अच्छे से याद करने की कोशिश करो कि कौन स्टेट कहाँ पे है। सो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर में नॉर्थ में आपको एक रिवर दिखती है जो यहाँ पे स्टार्ट होती है, मतलब ये तिब्बत रीजन में स्टार्ट होती है, जम्मू एंड कश्मीर, अब ये लद्दाख है, तो लद्दाख में एंटर होती है और बाहर निकलती है पाकिस्तान में। सो यहाँ तिब्बत से स्टार्ट होती है, लद्दाख में एंटर करती है और यहाँ पाकिस्तान के थ्रू यहाँ अरेबियन सी में वो गिरती है। सो दिस रिवर इज कॉल्ड एज द इंडस रिवर। यू माइट बी नोइंग अबाउट दिस, इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। फर्स्ट हम इन मेजर रिवर्स को हम इस मैप के ऊपर मैप करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट रिवर यहीं पे तिब्बत में, यहाँ पे जो ये माउंटेन रेंज है इसको हम कहते हैं माउंट कैलाश, इसी में यहाँ पे एक लेक है जिसे लेक मानसरोवर कहते हैं, उसी के पास और एक रिवर स्टार्ट होती है लेकिन वो जाती है टुवर्ड्स ईस्ट, वो ईस्ट की तरफ यहाँ से जाती है, फिर अरुणाचल प्रदेश में इंडिया में एंटर करती है, फिर असम के थ्रू यहाँ बांग्लादेश में जाके फिर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। दिस रिवर इज कॉल्ड एज द ब्रह्मपुत्र। सो याद रखना है ब्रह्मपुत्र भी तिब्बत कैलाश माउंटेन से स्टार्ट होती है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, फिर असम के थ्रू बांग्लादेश में एंटर करती है, तो अरुणाचल, असम और बांग्लादेश में यहाँ फिर बे ऑफ बंगाल में वो फॉल करती है। अब मैंने इसको पूरा यहाँ तक क्यों नहीं मार्क किया है ये आप अभी देखोगे। देन वी हैव अनदर रिवर, यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंडिया में से ही स्टार्ट होती है, यहाँ पे उत्तराखंड स्टेट है, तो उत्तराखंड स्टेट में एक ग्लेशियर है जिसे हम गंगोत्री ग्लेशियर कहते हैं, वहां से ये आती है उत्तर प्रदेश के थ्रू, फिर आगे बिहार एंड देन थ्रू वेस्ट बंगाल, ये भी जाती है कहाँ, बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में ये मिलती है जो ऊपर ब्रह्मपुत्र आती है उससे, और ये फिर दोनों, इन दोनों का कॉन्फ्लुएंस, इन दोनों, ये दोनों जब मिलती हैं तो वो रिवर जो है आगे बे ऑफ बंगाल में जाती है। यहाँ पे ये बहुत बड़ा डेल्टा बनाते हैं, दैट्स इंडीड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, जिसे हम सुंदरबंस कहते हैं। आपको शायद पता होगा कि यहाँ पे जो ये डेल्टा है, यू कैन सी, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि एक एलुवियल फैन टाइप आपको एक यहाँ पे शेप दिख रही होगी, यहाँ पे छोटी छोटी रिवर्स जैसे लग रही हैं, ये इसी का डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्र का, इसको हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। सो ये तीसरी रिवर आ गई हमें हमारी, जिसे हम गंगा रिवर कहते हैं। आई होप ये तीन याद हो गई होंगी, इंडस कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है और कौन से सी या ओशन में जाती है, इस तरह ब्रह्मपुत्र एंड गंगा। अब ये तीन जो है, ये तीनों मैंने रेड से मार्क की हैं, ये नॉर्थ इंडिया की टॉप थ्री रिवर्स हैं, सबसे बड़ी रिवर्स हैं नॉर्थ इंडिया की, और इनके जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे गंगा की जो भी हैं, इंडस, ब्रह्मपुत्र की, उन सबको मिला के हम नॉर्दर्न रिवर्स में काउंट करते हैं, इनको हम हिमालयन रिवर्स भी कहते हैं। द रीजन इज कि अगर आप देखोगे ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये यहाँ से, तो यहाँ ऊपर जो है ये माउंट कैलाश है एंड माउंट कैलाश जो है ये हिमालयस में आता है, ऐसे ही अगर यहाँ आप देखोगे उत्तराखंड में भी हिमालय से गंगा निकलती है, तो ये जो नॉर्दर्न रिवर्स हैं या इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो मेनली हिमालय से ही निकलती हैं, दैट्स वाई इनको हम नॉर्दर्न रिवर्स या हिमालयन रिवर्स भी के नाम से भी जानते हैं। सो आई होप इट्स नाउ क्लियर कि नॉर्दर्न रिवर्स कौन कौन सी है। देन मूविंग ऑन, अब हम नीचे चलते हैं इंडियन पेनिनसुला में। इंडियन पेनिनसुला में जब आप नीचे जाते हो, नीचे आपको सबसे पहले यहाँ, दिस इज छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से एक रिवर निकलती है
उड़ीसा के थ्रू बे ऑफ बंगाल में जाती है, उसे हम महानदी कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ से निकलती है उड़ीसा के थ्रू महानदी रिवर। देन वी हैव अनदर रिवर, अब ये बहुत बड़ी रिवर है, ये यहाँ स्टार्ट होती है फ्रॉम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से जाती है तेलंगाना में, तेलंगाना से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश में, तो चार स्टेट्स के थ्रू ये जाती है और ये भी जाती है बे ऑफ बंगाल में, इसको हम कहेंगे गोदावरी। सो महानदी गोदावरी, ये दोनों पेनिनसुलर रिवर्स हैं। देन वी हैव अनदर रिवर दैट्स कॉल्ड एज द कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर भी महाराष्ट्र से स्टार्ट होती है लाइक गोदावरी, ये लेकिन जाती है कर्नाटका के थ्रू, फिर तेलंगाना के थ्रू और फिर आंध्र प्रदेश के थ्रू। तो डिफरेंस, गोदावरी कहाँ से स्टार्ट हुई, महाराष्ट्र, कृष्णा भी महाराष्ट्र से स्टार्ट हुई, गोदावरी कहाँ गई थी, तेलंगाना में, लेकिन ये कर्नाटक में गई, और फिर ये तेलंगाना में जाती है लेकिन वो छत्तीसगढ़ में जाती है। तो डिफरेंस ये है कि गोदावरी छत्तीसगढ़ में जाती है लेकिन कृष्णा जो है वो कर्नाटक में जाती है, वो छत्तीसगढ़ में नहीं जाती। सो ये भी जाती है बे ऑफ बंगाल में। देन वी हैव अनदर रिवर दैट्स कॉल्ड एज कावेरी, ये स्टार्ट होती है यहाँ पे कर्नाटक में और फिर तमिलनाडु के थ्रू बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो यू कैन सी महानदी दो स्टेट्स के थ्रू गई, ऐसी कावेरी भी दो स्टेट्स के थ्रू गई, गोदावरी और कृष्णा चार चार स्टेट्स के थ्रू गई, और ये चारों जो है अगर आप देखोगे ये वाली डायरेक्शन वेस्ट है और ये वाली डायरेक्शन ईस्ट है, तो ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। तो जब हम पेनिनसुलर रिवर्स को पढ़ते हैं उनको हम दो डिविजन्स में डिवाइड करते हैं, एक ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग। अब ये सारी रिवर्स जो है ये किसकी तरफ जा रही है, ये इस तरफ जा रही है, यानी ये ईस्ट की तरफ जा रही है, इसलिए उनको हम कहते हैं ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स। सो यू शुड रिमेंबर महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी, महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी आर द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, क्योंकि ईस्ट की तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है। अब हम चलते हैं कुछ और रिवर्स पे, लाइक यहाँ पे मध्य प्रदेश में एक अमरकंतक प्लेटू है, वहां से स्टार्ट होती है मध्य प्रदेश से गुजरात, ये एक रिवर जाती है, और यहाँ पे ये गल्फ ऑफ खंबाट, दिस कॉल्ड एज गल्फ ऑफ खंबाट, या फिर आप कह सकते हो कि ये अरेबियन सी में फॉल होती है। तो इन रिवर्स में और इस रिवर में, नर्मदा और महानदी गोदावरी कृष्णा गावरी में ये डिफरेंस है कि ये चार जो थी ये थी ईस्ट फ्लोइंग, लेकिन ये वाली वेस्ट फ्लोइंग है, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट होती है और इस तरफ जाती है, वेस्ट की तरफ जाती है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज वेस्ट फ्लोइंग। सो नर्मदा इज ए वेस्ट फ्लोइंग रिवर, लेकिन ये भी पेनिनसुलर रिवर ही है। देन वी हैव अनदर रिवर दैट्स कॉल्ड एज ताप्ती या तापी, ये भी एमपी से स्टार्ट होती है गुजरात के थ्रू, ये भी जाती है अरेबियन सी में, ये भी एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। देन वी हैव अनदर रिवर दैट्स कॉल्ड एज मही, मही ऐसे नहीं आती है, मही यहाँ से स्टार्ट होती है और फिर ऐसे मुड़ के आती है। सो मही भी और एक रिवर है और ये भी कहाँ जाती है, अरेबियन सी में। तो तीन रिवर्स, मही, नर्मदा एंड ताप्ती, ये तीनों जो है ये वेस्ट फ्लोइंग है, लेकिन महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी ये जो है ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। यू शुड रिमेम्बर ये जो है सातों की सातों रिवर्स जो है ये पेनिनसुलर रिवर्स हैं, लेकिन ये चार महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी ईस्ट फ्लोइंग है, लेकिन मही, नर्मदा एंड ताप्ती दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। यू शुड नो अबाउट दीज डिफरेंसेस। नाउ आई वॉन्ट कि आप इस वीडियो की यहाँ पे पॉज करके इसकी स्क्रीन शॉट लो एंड इसको आप बार बार देखते रहो, आपके दिमाग में ये मैप छप जाना चाहिए कि इंदस कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र कहाँ से है, गंगा कहाँ से है, मही, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ये कहाँ पे है। एटलीस्ट इन रिवर्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी कहाँ पे आती है। तो इसको आप याद कर सकते हो, इंदस ऐसे है लद्दाख, ये पता ही होगा आपको, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा ये यहाँ से है, फिर महानदी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, तो दोनों के एक ऐसे है, तो महानदी गोदावरी एंड कृष्णा एंड कावेरी, फिर यहाँ से नर्मदा बड़ी रिवर है, फिर ताप्ती एंड मही है। सो इस मैप को आप अच्छे से देखिए, इसको आप रिवाइज करते रहिए, ये मैप आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सो अब हम अगर इसको हम फॉर्मली यहाँ पे देखेंगे, इंडियन रिवर्स की जब हम बात करते हैं, इंडियन रिवर्स को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक नॉर्दर्न रिवर्स और एक पेनिनसुलर रिवर्स। नॉर्दर्न रिवर्स ऐसी रिवर्स हैं जो नॉर्थ में बहती हैं, ऑब्वियसली इनको हम हिमालयन रिवर्स भी कहते हैं बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये नॉर्थ जो है हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं मोस्ट ऑफ देम, और इनकी ट्रिब्यूटरीज भी अक्सर जो है वो हिमालय से ही ओरिजिनेट होती हैं। देन वी हैव पेनिनसुलर रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स जो नीचे पेनिनसुला में आती हैं उनको हम पेनिनसुलर रिवर्स कहते हैं। एंड इफ यू सी, अगर हम नॉर्दर्न रिवर्स की बात करें, इनमें आपको इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और ये डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज, जिसमें आपको गंगा की ट्रिब्यूटरीज दिखेंगी लाइक यमुना, गंडक एटसेट्रा, ब्रह्मपुत्र की दिखेंगी और इंदस की जो ट्रिब्यूटरीज है वो भी दिखेंगी। एंड इफ यू सी, पेनिनसुलर रिवर्स को हमने दो में डिवाइड किया, महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी, इसको हमने कहा ये रिवर्स जो है ये ईस्ट फ्लोइंग है क्योंकि ये ईस्ट की तरफ जा रही है,
और ताप्ती नर्मदा और मही ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है क्योंकि ये वेस्ट की तरफ जा रही है। सो यू शुड बी फेमिलियर विद दिस डिवीजन। नाउ अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिवर नॉर्दर्न में आती है, कौन सी पेनिनसुला में आती है, कौन सी ईस्ट फ्लोइंग है और कौन सी वेस्ट फ्लोइंग है। ठीक है, सो मूविंग ऑन, अब अगर हम इस हिमालयन रिवर्स पेनिनसुला रिवर्स को एक तरह से डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे तो फर्स्ट थिंग यू शुड रिमेंबर कि हिमालयन रिवर्स जो हैं ये ज्यादातर हिमालयन माउंटेन्स या हिमालय से ही ओरिजिनेट होते हैं। वी ऑलरेडी सॉ दिस। पेनिनसुला रिवर्स जो हैं ये ज्यादातर सेंट्रल हाइलैंड्स, मतलब जो पेनिनसुला में इंडियन पेनिनसुला में जो प्लेट्यूज है या जहां जहां पे भी कहीं पे छोटी छोटी पहाड़ियां हैं वहां पे भी है पहाड़ियां छोटी छोटी, तो वो वहीं से ओरिजिनेट होती हैं। सेकेंड डिफरेंस इज नेचर ऑफ फ्लो। अब हिमालयन रिवर्स जो है वो पेरिनियल है। पेरिनियल का मतलब है कि ये थ्रू आउट द ईयर बहती रहती है। इसका ये मतलब है कि अभी हमने देखा कि हिमालयन रिवर्स जो है वो हिमालय से आते हैं और हिमालयस में ग्लेशियर्स हैं, मोस्टली इनका जो ओरिजिन है वो ग्लेशियर ही होता है। अब थ्रू आउट द ईयर जो ग्लेशियर है वो पिघलता रहता है और वहां से पानी निकलता रहता है, तो हम कह सकते हैं कि जो हिमालयन रिवर्स है वो पेरिनियल है। इसका ये मतलब है कि उनमें थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है बिकॉज ऑफ द रीजन कि हिमालयस जो है वो स्नो कवर्ड रहते हैं, वहां पे ग्लेशियर्स थ्रू आउट द ईयर रहते हैं और वो साल भर पिघलते रहते हैं, जिसकी वजह से इनमें जो पानी है वो थ्रू आउट द ईयर रहता है। तो पेरिनियल का मतलब है थ्रू आउट द ईयर जिसमें पानी रहता हो, एंड हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल। अब अगर हम पेनिनसुला रिवर्स की बात करें, अब पेनिनसुला रिवर्स अभी हमने देखा कि ये सेंट्रल हाईलैंड से निकलते हैं, मतलब जो पेनिनसुलर इंडिया में जो हाईलैंड्स है कहीं कहीं पे छोटी छोटी पहाड़ियां हैं वहीं से ये निकलते हैं। अब नीचे जो पेनिनसुलर इंडिया है वहां पे आपको कहीं पे बर्फ नहीं दिखेगी, वहां पे कोई ग्लेशियर नहीं है, तो इस वजह से इनमें जो पानी आता है वो मोस्टली जो मॉनसून की वजह से बारिश होती है वही बारिश जो है वो उन हाईलैंड से नीचे आती है और वो उन रिवर्स में भर जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये रिवर्स जो है, जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो सीजनल रिवर्स है, मतलब इनमें जो पानी है वो थ्रू आउट द ईयर नहीं रहता है, रादर जब मॉनसून का सीजन रहता है तो तभी उनमें ज्यादा पानी रहता है। तो ये सूख भी सकते हैं, इनमें पानी कम भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली इनमें जो पानी है वो सीजनल होता है और वो मॉनसून के सीजन में ही रहता है। इसका ये रीजन है क्योंकि ये इनको कहते हैं कि ये रेन फेड है। रेन फेड मतलब इनमें जो पानी बढ़ता है वो रेनफॉल की वजह से बढ़ता है। देन वी हैव टाइप ऑफ ड्रेनेज। अब टाइप ऑफ ड्रेनेज ये एक अलग टॉपिक है। अब आपको याद रखना है कि हिमालयन रिवर्स जो है ये एंटीसीडेंट रिवर्स है एंड पेनिनसुला रिवर्स सुपर इम्पोज्ड है। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो, एंटीसीडेंट रिवर्स जो है ऐसी रिवर्स को कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक रिवर बह रही है और उस रिवर में आगे एक पहाड़ बन रहा है। जब हमने फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस पढ़ा था फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में, तो हमने देखा था कि जो इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई तो धीरे धीरे ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स हिमालयस जो है वो बढ़ते गए, उनकी हाइट जो है वो बढ़ती गई। तो जब वो रिवर्स रहे होंगे, वो रिवर्स में आगे जब ये बैरियर बन रहा होगा, ऊपर से रिवर आ रही है नीचे से पहाड़ बन रहा है, धीरे धीरे पहाड़ बन रहा है। अब उस रिवर के पास दो ऑप्शन है, या तो वो अपना रास्ता बदल लेगा या फिर जो बीच में जो इसके पहाड़ आ रहा है उस पहाड़ को चीरता हुआ, उसको इरोड करता हुआ ये अपने रास्ते जाएगा। तो ऐसी रिवर्स जो बीच में आने वाले पहाड़ या किसी भी बैरियर को इरोड करके अपना रास्ता ना बदले उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट रिवर्स, और जो हिमालयन रिवर्स हैं वो एंटीसीडेंट रिवर्स हैं। अगर कुछ समझ नहीं आया जस्ट रिमेंबर, इसको याद रखें कि हिमालयन रिवर्स जो है वो एंटीसीडेंट है। देन वी हैव सुपर इम्पोज। अब सुपर इम्पोज कैसे याद रखोगे आप, जो पेनिनसुला रिवर्स हैं वो सुपर इम्पोज है। इसका ये मतलब है कि पेनिनसुला, अगर आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था कि पेनिनसुला रिवर्स, पेनिनसुला जो है पेनिनसुला इंडियन पेनिनसुला वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया का। तो इससे क्या हुआ होगा कि जो रिवर्स पहले से बहुत पहले से वो बह रही है वहां से, तो वो धीरे धीरे अपने नीचे जो इनका बेड है, बेड रॉक है, उसको वो इरोड कर रहे हैं। तो नीचे जो है ये रिवर्स जो है ये धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, मतलब ये अपनी सरफेस को नीचे इरोड कर रहे हैं और ये नीचे जा रहे हैं, तो एक तरह से ये सुपर इम्पोज हो रहे हैं उसके ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि जो हिमालयन रिवर्स हैं वो एंटीसीडेंट है और पेनिनसुला जो है वो सुपर इम्पोज है। देन वी हैव द नेचर ऑफ रिवर। अब रिवर आपको याद रखना है कि हिमालय रिवर्स यूजली जो है इनकी लेंथ या इनका कोर्स जो है वो लॉन्ग होता है, तो ये आपको याद रखना है। और यूजली जो है ये माउंटेन्स के थ्रू फ्लो होते हैं, एंड इफ यू सी द पेनिनसुला रिवर्स कंपैरेटिवली पेनिनसुला रिवर्स की लेंथ जो है वो कम है एज कम्पेयर टू द हिमालयन रिवर्स। एंड देन अगर हम एज की बात करें तो हिमालयन रिवर्स एज में यंगर है, मतलब जो पेनिनसुला रिवर्स है वो पहले बने थे और जो हिमालयन रिवर्स वो बाद में बने हैं। इसका ये रीजन भी है बिकॉज हिमालय जो है वो खुद पेनिनसुला के बाद बने हैं, तो जब हिमालय बने होंगे उसके बाद ही फिर
जो है रिवर्स बने होंगे. तो यू शुड बी फेमिलियर विद दीज डिफरेंसेस, ये आपको पता होने चाहिए. हो सकता है मे बी क्वेश्चन पूछा जाए. एंड अगर हम अब रिवर्स को पढ़ने वाले हैं, अलग अलग हम नॉर्दर्न और साउदर्न जो भी रिवर्स हैं उनको पढ़ेंगे, तो कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन सी चीज़ आपको पढ़नी चाहिए. फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग आपको याद होनी चाहिए, हर एक रिवर जो मेन रिवर्स मैंने अभी 10-11 रिवर्स जो हमने देखी उनका आपको ओरिजिन पता होना चाहिए. मतलब वो कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं एंड द माउथ, मतलब वो कहाँ जाके गिर रही हैं, क्या बे ऑफ बंगाल में जा रही हैं, क्या अरेबियन सी में जा रही हैं, कहीं और कहाँ पे वो जा रही हैं. तो माउथ और ओरिजिन दोनों पता होने चाहिए. स्टेट ऑफ ओरिजिन, स्टेट ऑफ ओरिजिन का मतलब है कि कौन सी स्टेट से स्टार्ट हो रही है, या क्या कहीं किसी और कंट्री से स्टार्ट हो रहे हैं, या फिर क्या इंडिया में जिस स्टेट से स्टार्ट हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है, उस स्टेट का आपको पता होना चाहिए. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्टेट के थ्रू ये जा रही हैं. और इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के बारे में पता होना चाहिए. अब अगर हम JKSSB एग्जाम की बात करें तो आपको मेरे हिसाब से नॉर्दर्न रिवर्स का एटलीस्ट ट्रिब्यूटरीज के बारे में पता होना चाहिए. नॉर्दर्न रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज आपको सारी याद होनी चाहिए. और जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनमें भी आप जो मेन कहीं कहीं पे मेन ट्रिब्यूटरी है जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में पता होना चाहिए. देन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं या इंपॉर्टेंट डैम्स हैं वो कौन कौन सी रिवर के ऊपर लोकेटेड है, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सो मूविंग ऑन, स्टार्टिंग विद द नॉर्दर्न हिमालयस, नॉर्दर्न और हिमालयन रिवर्स. तो स्टार्ट करते हैं हम नॉर्दर्न या हिमालयन रिवर्स से, एंड इन नॉर्दर्न एंड हिमालयन रिवर्स उसमें हम स्टार्ट करेंगे इंडस रिवर से. तो अभी हमने देखा कि इंडस जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, वो तिब्बत से स्टार्ट हो रही है. तो तिब्बत इज हेयर, एंड तिब्बत में एक माउंटेन रेंज है जिसे कैलाश माउंटेन रेंज कहते हैं. ये हिमालयस है यहाँ से, एंड हिमालयस में ही वो ट्रांस हिमालयस में आता है. ट्रांस हिमालयस में एक रिवर, एक माउंटेन रेंज है जिसे हम कहते हैं कैलाश माउंटेन रेंज. बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको कि कैलाश माउंटेन रेंज तिब्बत में यहाँ पे है, और उसी कैलाश माउंटेन रेंज में एक लेक है जिसे लेक मानसरोवर कहते हैं, लेक मानसरोवर. अब उसी लेक मानसरोवर के पास एक बोकारचू नाम की ग्लेशियर है. बोकारचू नाम की ग्लेशियर है, उसी से स्टार्ट होती है इंडस रिवर. याद होना चाहिए आपको कि तिब्बत रीजन में माउंट कैलाश है, माउंट कैलाश में लेक मानसरोवर है, और लेक मानसरोवर के पास बोकारचू ग्लेशियर है. अब ये माउंट कैलाश और लेक मानसरोवर इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक तो इंडस यहां से निकलती है, यहीं से ब्रह्मपुत्र निकलती है, और यहीं से इंडस की एक ट्रिब्यूटरी है जिसे हम सतलुज कहते हैं, सतलुज भी यहीं से निकलती है. तो तीन इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, इंडस, सतलुज और ब्रह्मपुत्र, ये यहीं से निकलती हैं, माउंट कैलाश में ही लेक मानसरोवर के पास ही. अलग अलग ग्लेशियर से निकलते हैं लेकिन इसी रीजन में निकलते हैं, दैट्स वाई इनको हम ट्रांस हिमालयस कहते हैं, क्योंकि ये ट्रांस हिमालयन माउंटेन रेंज जिसे हम कैलाश माउंटेन रेंज कहते हैं वहीं से निकलती हैं. तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इंडस बोकारचू ग्लेशियर से निकलती है जो कैलाश माउंटेन रेंज में है, कहाँ पे, लेक मानसरोवर के पास ये ग्लेशियर है वहीं से निकलती है. तो अगर क्वेश्चन में लेक मानसरोवर दिया हुआ हो तो इंडस के ओरिजिन में आप उसको टिक कर सकते हो, बोकारचू दिया हुआ हो उसको भी टिक कर सकते हो, और अगर कैलाश माउंटेन रेंज दिया हुआ हो तिब्बत वो भी आप टिक कर सकते हो. तो ओरिजिन बोकारचू नियर लेक मानसरोवर जो के है कैलाश माउंटेन रेंज. अभी एंटर कहाँ होती है, लद्दाख में होती है, और लद्दाख के थ्रू ही ये बाहर निकलती है यहाँ पे, और ये पाकिस्तान में जाती है. तो इंडिया की कौन कौन से स्टेट से ये जाती है, सिर्फ लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख से जाती है, एंटर वहीं से करती है, निकलती भी है, और फिर आगे पाकिस्तान में जाती है, और पाकिस्तान में फिर कहाँ जाती है, अरेबियन सी में. अब आप मुझे बताइए क्या ये वेस्ट फ्लोइंग है या ईस्ट फ्लोइंग है. ऑब्वियसली ये वेस्ट फ्लोइंग है क्योंकि ये वेस्ट की तरफ जा रही है, और इसका ओरिजिन बोकारचू ग्लेशियर नियर लेक मानसरोवर जो कि है कैलाश माउंटेन रेंज में, और इसका माउथ है अरेबियन सी में. यू शुड नो दीज थिंग्स. अब अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी टोटल लेंथ अराउंड 2800 किलोमीटर्स बताई जाती है, 2880 किलोमीटर्स बताई जाती है. तो ये इंडिया के थ्रू फ्लो होने वाली लॉन्गेस्ट रिवर है. मेरे वर्ड्स को अच्छे से सुनिए, इंडिया के थ्रू फ्लो होने वाली लॉन्गेस्ट रिवर है. एंटायरली अगर हम देखें ये पूरी तरह से इंडिया ही के अंदर नहीं है, इसका कुछ पार्ट तिब्बत में है, कुछ पार्ट पाकिस्तान में है, लेकिन अगर हम लेकिन ये इंडिया के थ्रू फ्लो होती है. और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए द लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग थ्रू इंडिया, तो आपको आपको लगाना है इंडस पे टिक.
लेकिन अगर इंडिया में फ्लो होने वाली लॉन्गेस्ट, इंडिया में फ्लो होने वाली, इंडिया में जो फ्लो होती है या इंडिया के अंदर कौन सी लॉन्गेस्ट रिवर है, तो उसमें इंडस नहीं आएगा, बिकॉज इससे भी ज्यादा कुछ रिवर्स हैं जिनका जो कोर्स है वो इससे लंबा है इन इंडिया। तो ओरिजिन आपको याद रखना है बोकाचू ग्लेशियर, लेक मानसरोवर, कैलाश माउंटेन रेंज और लद्दाख के थ्रू ये जाती है आगे। अब हम बात करेंगे ट्रिब्यूटरीज के बारे में। तो सबसे पहली ट्रिब्यूटरी यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहली ट्रिब्यूटरी है वो जंस्कार माउंटेन रेंज से आती है एंड वो जंस्कार रिवर है। सो द फर्स्ट ट्रिब्यूटरी इज द जंस्कार रिवर, याद रखनी है जंस्कार रिवर पहली ट्रिब्यूटरी है किसकी, इंडस की। एनदर ऊपर से एक आती है जिसको हम कहते हैं शोक रिवर, शोक रिवर ये भी लद्दाख में है एंड शोक रिवर जो है इसको कहा जाता है रिवर ऑफ डेथ। तो सो ये आप याद रख सकते हो। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है बिकॉज ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी सिलेबस में है, सो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। शोक रिवर द रिवर ऑफ डेथ ये ट्रिब्यूटरी है और ये आपको याद रखना है कि एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अब राइट बैंक और लेफ्ट बैंक में क्या डिफरेंस है, आपको याद रखना है कि यहाँ से आप स्टार्ट, ये ओरिजिनेट होती है, तो यहाँ पे आप खड़े हो जाओ और जहाँ ये जा रही है वहां की तरफ देखो। तो जब आप यहाँ पे खड़े होंगे और आगे की तरफ देखोगे तो ये लेफ्ट साइड आएगा और ये राइट साइड आएगा। तो शोक राइट साइड से आ रही है और जंस्कार लेफ्ट साइड से आ रही है, तो शोक राइट ट्रिब्यूटरी हो गई या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई और जंस्कार लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। सो दो ट्रिब्यूटरीज हो गई जंस्कार और शोक। देन वी हैव अनदर दैट इज कॉल्ड एज सुरू रिवर। अब सुरू के बारे में आप ये यहाँ पे एक टिपिकल चीज देख सकते हो कि सुरू यहाँ से आती है, यहाँ से और इस तरफ जा रही है, ऐसा लग रहा है कि ये ईस्ट फ्लोइंग है, ये ईस्ट फ्लोइंग है, लेकिन इंडस खुद वेस्ट फ्लोइंग है। तो कहीं ना कहीं ये दो रिवर्स जो हैं, सुरू जो कि ट्रिब्यूटरी है और जो मेन रिवर इंडस है, इनका फ्लो ऑपोजिट लग रहा है। सुरू इस तरफ जा रही है लेकिन जो इंडस है वो इस तरफ जा रही है, तो इसलिए इस तरह की ट्रिब्यूटरी को हम ऑब्सिक्यूएंट ट्रिब्यूटरी कहते हैं, OBSEQUENT ऑब्सिक्यूएंट ट्रिब्यूटरी। तो मे बी क्वेश्चन में पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्सिक्यूएंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, तो याद रखना है सुरू रिवर। सुरू रिवर ऑब्सिक्यूएंट ट्रिब्यूटरी है क्योंकि इसका फ्लो जो है वो ऑपोजिट है टू द मेन रिवर। और ये कहाँ से निकलती है, ये दियोसाई माउंटेन रेंज, इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है लद्दाख की, दियोसाई माउंटेन रेंज वहीं से निकलती है। अब ट्रिब्यूटरीज का ओरिजिन इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन कोई कोई ट्रिब्यूटरी है जिसका ओरिजिन आपको पता होना चाहिए। तो अब हमने तीन ट्रिब्यूटरीज देखी, जंस्कार, सुरू एंड शोक। और एक ट्रिब्यूटरी आती है ऊपर से आती है जिसे हम कहते हैं हुंजा। हुंजा, हुंजा वैली के बारे में आपने सुना होगा, हुंजा वैली कहाँ है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में है एंड दिस इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। सो यहाँ पे हमने अभी तक चार ट्रिब्यूटरीज देखी, सबसे नीचे पहले जंस्कार आती थी, फिर ऊपर से शोक आती थी, फिर सुरू जो कि एक ऑब्सिक्यूएंट ट्रिब्यूटरी है, फिर उसके बाद ऊपर से गिलगित आती है। अब फिफ्थ है यहाँ पे और एक जो नीचे से आती है उसे हम कहते हैं, दैट्स कॉल्ड एज गिलगित। तो ये पांच ट्रिब्यूटरीज हो गई हमारी, फिर से देखते हैं हम, याद हो जानी चाहिए आपको, सबसे पहले जंस्कार है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, फिर उसके बाद ऊपर से और एक ट्रिब्यूटरी आती है जिसे शोक कहते हैं, जिसे रिवर ऑफ डेथ भी कहते हैं, फिर नीचे से आती है जिसे हम सुरू कहते हैं, फिर ऊपर से आती है और एक रिवर जिसे कहते हैं हम हुंजा रिवर, और फिर आती है नीचे से जिसे हम कहते हैं गिलगित रिवर। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सुरू रिवर जो है, सुरू रिवर पे एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिटी है या आप टाउन मान सकते हो जो क्या है कारगिल टाउन। याद रखना है आपको कारगिल इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ सुरू रिवर। और अगर हम लेह की बात करें, लेह इंदस पे ही आता है, मेन जो इंदस रिवर है उसी के बैंक्स पे आता है। सो यू शुड रिमेम्बर दिस, मे बी पूछा जाए इंदस के बैंक्स के ऊपर कौन सा है लेह एंड सुरू के ऊपर जो है उसके बैंक्स के ऊपर कारगिल है। सो सुरू के बैंक्स पे कारगिल है और लेह जो है वो इंदस रिवर के बैंक्स पे है। You should remember all these things. अब ये पांच ट्रिब्यूटरीज आपको याद होनी चाहिए, ये जो है ये लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर इन दोनों रीजन्स में ये आती हैं, ये पांच ट्रिब्यूटरीज है। इसके अलावा भी है, इसके अलावा द्रास रिवर है, इसके अलावा आपको नुब्रा रिवर दिखेंगी वो आपको, लेकिन मेन जो है वो यही है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब ये पांच ट्रिब्यूटरीज हो गई, अब हम और पांच ट्रिब्यूटरीज देखेंगे। वो पांच कौन सी है, वो पांच है जो पंजाब की पांच रिवर्स जिनके बारे में आपको पता होगा, जहलम, चिनाब, राबी, ब्यास और सतलुज। अब हम उनको देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बेरी नाग में, बेरी नाग से स्टार्ट होती है एक रिवर, आगे जाती है। अब ये इंदस में डायरेक्टली नहीं मिलती है, ये रिवर कौन सी है, ये जहलम है, ऑब्वियसली बेरी नाग से जहलम निकलता है। सो जहलम बेरी नाग से निकलता है एंड आगे ये डायरेक्टली इंदस में नहीं जाता है। रादर क्या होता है,
तो ये झेलम है और एक रिवर है। अब ये कहाँ से आई? ये आई हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश से निकली ये, जम्मू एंड कश्मीर के थ्रू आई और इसमें झेलम मिली और फिर दोनों ये आगे जाके पाकिस्तान में मिली, किससे? इंडस से। अब ये रिवर कौन सी है? दिस इज चनाब। तो याद रखना है, चनाब हिमाचल प्रदेश से निकली और कहाँ से निकली? चनाब निकली हिमाचल प्रदेश में, एक इंपॉर्टेंट माउंटेन पास है जिसे हम कहते हैं बारा लाचला पास। सो बारा लाचला पास से निकली चनाब, चनाब में आगे पाकिस्तान में मिला झेलम और ये दोनों कहाँ गए? इंडस में। यू शुड रिमेम्बर, अब चनाब और बारा लाचला ये ओरिजिन है इसका, ये कैसे याद रहेगा? चनाब में सी एच आता है और बारा लाचला में भी सी एच आता है बीच में। तो बारा लाचला पास से चनाब आया, आगे पाकिस्तान में झेलम मिला और झेलम इंडस में गया। तो ये भी जम्मू एंड कश्मीर के थ्रू आता है। तो दो रिवर्स हैं, झेलम फिर उसके बाद चनाब। तो अगर आप कश्मीर से बाहर जा रहे हो तो कश्मीर में सबसे पहले आपको झेलम दिखेगा, फिर आगे जब आप रामबन पहुंचोगे वहां पर चनाब दिखेगा, फिर आगे जब आप जाओगे, जब जम्मू एंड कश्मीर से बाहर निकलने लगोगे तो आपको रावी रिवर दिखेगा। सो रावी इज द थर्ड ट्रिब्यूटरी। अब ये रावी रिवर भी है, ये भी कहाँ जाती है? आगे पाकिस्तान में, ये भी चनाब से मिलती है। तो तीन है, झेलम, चनाब एंड रावी। झेलम और रावी ये दोनों मिलती हैं किससे? चनाब से, और झेलम और रावी के बीच में से ये चनाब जाती है। अब रावी कहाँ से निकलती है? रावी का ओरिजिन यहाँ पे है, ये भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में एक इंपॉर्टेंट और एक पास है, दैट्स कॉल्ड एज रोहतांग पास। सो रोहतांग पास से रावी निकलती है। अब और एक आगे हम पढ़ेंगे ब्यास, ब्यास भी रोहतांग पास से निकलती है। तो याद रखना है, रावी और ब्यास रोहतांग पास से निकलते हैं, चनाब जो है वो कहाँ से निकलती है? वो बारा लाचला पास से निकलती है, और दोनों हिमाचल प्रदेश में इंपॉर्टेंट पासेस हैं, बारा लाचला पास एंड द रोहतांग पास। ये दोनों आपको याद रखनी है। रावी और ब्यास कहाँ से निकलते हैं? रोहतांग पास से, और चनाब निकलते हैं बारा लाचला पास से। ओरिजिन पता होना चाहिए आपको। देन वी हैव अनदर रिवर, एक रिवर है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट होती है और वहीं पर जो अभी हमने देखा रावी जहाँ से निकलती है, रोहतांग पास के पास से ही निकलती है और एक रिवर, दैट्स कॉल्ड एज ब्यास। अब ब्यास डायरेक्टली जाके नहीं मिलती है इंडस में, रादर और एक नीचे जो फाइनल ट्रिब्यूटरी है इसकी, दैट्स कॉल्ड एज सतलज। सतलज में जाके ये ब्यास मिल जाती है और फिर सतलज आगे जाके इंडस में मिलती है। अब ब्यास हमने देखा रोहतांग पास से निकलती है, लेकिन सतलज जो है, सतलज अभी हमने बोला था, सतलज जो है ये भी कैलाश माउंटेन रेंज से ही निकलती है। वहां पे एक लेक है, वहीं से जो सतलज है ये सतलज निकलती है। वहां पे लेक रकास नाम की एक जगह है, RAKAS। तो याद रखना है, लेक मानसरोवर के पास ही कैलाश माउंटेन में एक लेक रकास नाम की जगह है, एक लेक है, उस लेक से निकलती है सतलज। ये एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में, और कहाँ से एंटर करती है? यहाँ पे बॉर्डर पे एक पास आता है जिसे शिपकिला पास कहते हैं। शिपकिला पास से सतलज एंटर होती है, आगे इसमें ब्यास मिलती है, और ब्यास फिर आगे जाके ये दोनों कहाँ मिलते हैं? इंडस में। सो दीज आर द 10 ट्रिब्यूटरीज जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है इसकी, इंडस रिवर की, तो ये आपको याद होना चाहिए, दैट इज चनाब। चनाब है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी किसकी? इंडस की। सो रिवाइज करते हैं और एक बार, आपको याद होनी चाहिए इंडस स्टार्ट कहाँ से हुई थी, बोखारचू ग्लेशियर नियर लेक मानसरोवर जो कि तिब्बत में है, इन कैलाश में। सबसे पहली ट्रिब्यूटरी नीचे से आती थी जंस्कार, ऊपर से दूसरी वाली शोक जिसे रिवर ऑफ डेथ कहते थे, फिर नीचे से आती है सुरु रिवर, सुरु रिवर को हम ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी कहते हैं, और सुरु रिवर के बैंक्स पे ही है कारगिल सिटी और कारगिल टाउन। फिर ऊपर से आती है हुंजा, हुंजा एंड हुंजा, नीचे से आती है गिलगित। सो ये पांच है जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन में इसकी ट्रिब्यूटरीज। फिर नीचे वाली पांच जो है वो है पंजाब, और पंजाब की पांच रिवर्स जो है, सबसे पहले झेलम वेरीनाग से निकला, लेकिन ये डायरेक्टली झेलम इंडस में नहीं मिला, रादर झेलम के बाद जब आगे जाते हो तो चनाब दिखता है। चनाब कहाँ से निकला था? हिमाचल प्रदेश में बारा लाचला पास से निकला, इसमें झेलम मिला और दोनों जाके इंडस में गए। फिर चनाब के बाद नीचे आपको दिखता है रावी रिवर, रावी रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश से निकला, ये भी जाके मिला चनाब में और चनाब गया आगे इंडस में। सो ये तीन एक साथ मिलती है इंडस में, झेलम और चनाब, झेलम रावी दोनों चनाब में मिलते हैं और चनाब आगे इंडस में जाता है। फिर उसके बाद रावी आता है, उसके बाद ब्यास आता है, ब्यास डायरेक्टली नहीं जाता है, रादर ये सतलज से मिलता है पहले। ब्यास निकला था हिमाचल प्रदेश में ही रोहतांग पास से, रोहतांग पास जहाँ पे जहाँ से रावी निकला था वहीं से उसके पास ही जो है ब्यास भी निकला, ये सतलज में मिला। सतलज कहाँ से निकला? ये लेक रकास जो कि है लेक मानसरोवर के पास ही
जहां से इंदस निकलता है उसी के अराउंड एक लेक है जिसे हम लेक रकास कहते हैं, वहीं से निकला, शिपकिला पास से हिमाचल प्रदेश में एंटर किया और आगे जाके पाकिस्तान में इससे मिल गया। लॉन्गेस्ट या सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो है वो आपको याद रखनी है वो चनाब है। एंड वन मोर थिंग, इसकी चनाब जब यहाँ पे बारालाशला पास निकलती है तो चनाब दरअसल दो रिवर्स से बनती है। चनाब में दो रिवर्स पहले मिलती हैं, चांद्रा और बग्गा, इसलिए इसको चांद्रा बग्गा रिवर भी कहते हैं। चांद्रा बग्गा रिवर किसको कहते हैं? चनाब को। चांद्रा बग्गा रिवर्स मिल के चनाब को बनाते हैं। यू शुड नो अबाउट दिस। एंड रावी का दूसरा नाम इरावती भी है, ये आपको याद होनी चाहिए। सो आई होप कि ये सारी चीज आपको पता होंगी। अब आपको याद भी हो गई होंगी कौन सी ट्रिब्यूटरी कहाँ पे है। मूविंग ऑन, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसे दोआब कहते हैं। दोआब जब दो रिवर्स फ्लो करते हैं, जो नॉर्दर्न रिवर्स, जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे पांच जो हमने पंजाब में देखी, जहलम, रावी, चनाब, सतलुज और ब्यास, ये पांच ट्रिब्यूटरीज जो है, इन रिवर्स के बीच में जो दो दो रिवर्स के बीच में जो लैंड है वो फर्टाइल लैंड है, उनको हम, उस रीजन को हम कहते हैं दोआब। सो दोआब इज द रीजन बिटवीन टू रिवर्स। अब अलग अलग रिवर्स के बीच में इन दोआब को हमने अलग अलग नाम दिया हुआ है। सो अभी हमने देखा सारी रिवर्स जो भी थी, तो सबसे पहले आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सतलुज है, सतलुज के ऊपर ब्यास है, ठीक है, सतलुज है, सतलुज के ऊपर ब्यास है। तो सतलुज और ब्यास, इन दोनों के बीच में जो ये रीजन दिख रहा है आपको, ये ब्यास जा रहा है और नीचे से सतलुज है, सतलुज और ब्यास के बीच में जो ये रीजन है इसको हम कहते हैं बिस दोआब। बी आई है ब्यास के लिए एंड एस टी है सतलुज के लिए। ये इसी तरह से इन दोआबों को नाम दिया गया है, बी आई ब्यास, एस टी सतलुज। तो ब्यास और सतलुज का दोआब जो है इसको हम कहते हैं बिस्त। इसके बाद अगर आप ब्यास और रावी को देखोगे, ब्यास और रावी, इन दो के बीच जो है उसको हम बारी कहते हैं। बा बी ए ब्यास के लिए है और आर आई रावी के लिए है। तो बारी दोआब किसके बीच में है? ब्यास और रावी के बीच में। अब ऊपर रावी और चनाब है, रावी और चनाब के बीच के दोआब को हम रेचना कहते हैं। आरी रावी के लिए है और चना सी एच ए चनाब के लिए। तो रेचना दोआब जो है ये रावी और चनाब के लिए है। ऊपर जो है अब चनाब और जहलम के बीच है, उसको हम कहते हैं चेज, सी एच ई जे दोआब। अब सी एच ई चनाब के लिए और जे जहलम के लिए। तो ये दोआब आपको पता होने चाहिए, चेज दोआब, चनाब और जहलम, रेचना रावी और चनाब, बारी ब्यास और रावी, बिस्त ब्यास और सतलुज, ये आपको पता होने चाहिए। एंड इसी यहाँ पे जहां पे ये पांचों रिवर मिलती हैं आगे जाके पाकिस्तान में, वह उस पॉइंट को कहते हैं पंजनाड। तो पंजनाड में कौन कौन सी रिवर मिलती हैं? ये पांचों रिवर्स जहां पे फाइनली मिलती हैं, पहले हम देखते हैं कि जहलम जो है वो चनाब में मिलती है, ऐसे ही रावी पहले चनाब में मिलती है। तो चनाब में जहलम और रावी पहले ही मिलती है और ब्यास जो है वो सतलुज में मिलती है, फिर सतलुज और चनाब मिलते हैं। तो जहां पे ये फाइनली ये पांचों रिवर्स मिल जाती हैं, उस पॉइंट को हम पंजनड कहते हैं। सो मे बी पूछा जाए कल को क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ पंजनड, तो आपको पता होनी चाहिए कि पंजनड में बस यही पांच रिवर्स आती हैं। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट दोआब्स जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ईजी है, इनके ऊपर अगर क्वेश्चन आया भी तो आप इजीली, आपको पता चल जाएगा कि ये कौन कौन से रिवर के बीच का दोआब है। मूविंग ऑन, अब इंदस रिवर के रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटी हुई थी, इंदस वाटर ट्रीटी। चूंकि ये रिवर्स जो हैं ये इंडिया और पाकिस्तान में, पहले इंडिया से निकल, इंडिया में इनकी कुछ रिवर्स निकलती हैं या फिर तिब्बत से होकर फिर इंडिया में आती है और फिर पाकिस्तान में जाती हैं, इसलिए इनके ऊपर वाटर डिस्प्यूट होता था पहले, आज भी कहीं कहीं पे किसी किसी रिवर पे होता है। तो उस वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एक ट्रीटी हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कि इन रिवर्स का वाटर किस तरह से हम यूज कर पाए, मतलब कितना शेयर इंडिया कर पाएगा यूज, या कौन सी रिवर को इंडिया यूज करे, कौन सी रिवर को पाकिस्तान यूज करे, इसके लिए एक ट्रीटी हुई। अब यूज करने का मतलब है कि कौन से रिवर के ऊपर हम डैम बना सकते हैं, मतलब इंडिया डैम बना सकता है, कौन से रिवर के ऊपर पाकिस्तान डैम बना सकता है, या कौन कौन सी पर्पस के लिए डिफरेंट रिवर्स को यूज किया जा सकता है। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है, ये जो नीचे जो आपको पांच दिख रही हैं, जहलम, चनाब, रावी, ब्यास और जो मेन इंडस है, इन छह रिवर्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इनके वाटर को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो इस इंडस वाटर ट्रीटी में दिया हुआ है। अब ये 19 सितंबर को साइन की गई थी, आपको पता होगी, और इंडिया की तरफ से उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने साइन किया, और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे जनरल अयूब खान, उन्होंने साइन किया था। तो मे बी क्वेश्चन पूछा जाए इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कि कब से साइन हुई, इस पर साइन हुए 19 सितंबर 1960 को, इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने साइन किया और पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट अयूब खान ने इस पर साइन किया, और इसको ब्रोकर किया था वर्ल्ड बैंक ने, मतलब जो इंटरमीडिएट बीच में था वो वर्ल्ड बैंक था। और
इसके अकॉर्डिंग, इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ब्यास, रावी और सतलेज, नीचे से अगर आप आओगे, सतलेज, ब्यास और रावी, सतलेज, ब्यास और रावी, ये तीन रिवर्स जो हैं ये जाएंगी इंडिया को, मतलब इसका जो भी पानी होगा इसके ऊपर, जिस भी पर्पस के लिए इसका पानी जो है यूज करना होगा वो इंडिया करेगा। और ऊपर जो है जहलम, चनाब और इंडस, जो मेन इंडस है, जहलम, चनाब एंड इंडस, इसको पाकिस्तान यूज करेंगे। तो ये आपको याद होना चाहिए, अगर आप ऊपर से आओगे पहले इंडस आती है, फिर जहलम और फिर चनाब, ये तीन जो है नॉर्थ की तीन रिवर जो है ये पाकिस्तान को जाएंगी, और नीचे जो आपको दिखती है रावी, ब्यास और सतलज, ये जाएंगी इंडिया को। इसके अलावा जो इंडस है, चूंकि ये यहीं से आती है, इंडिया में इसका मेजर पार्ट है, तो इसलिए ये बताया गया कि 20% इंडिया जो है इसका पानी यूज कर सकता है। तो ये भी इसमें लिखा हुआ है कि इंडस जो मेन रिवर है इसका 20% वाटर इंडिया यूज कर सकता है, इरिगेशन या पावर जनरेशन डिफरेंट पर्पज के लिए यूज कर सकता है। तो इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मे बी डेट पूछी जाए, किसने साइन किया ये पूछा जाए, किसने ब्रोकर किया वो पूछा जाए, और कौन सी रिवर किस कंट्री को दी गई वो पूछा जा सकता है। तो इस ट्रीटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, यहाँ पे आपको मैच करना है कि कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है। तो इंडस कहाँ से निकलती है, रावी कहाँ से, चनाब कहाँ से और सतलेज कहाँ से। इंडस हमने कहाँ से देखा, लेक मानसरोवर के पास कैलाश माउंटेन में इंडस बोहारचू से निकलती है, बोहारचू, तो ये बन जाएगा, तो बोहारचू से इंडस निकलती है। रावी, रावी कहाँ से निकलती है, आर फॉर रावी, आर फॉर रोहतांग, तो आर रोहतांग पास से रावी निकलती है, तो ये टू के साथ जाएगा। चनाब, चनाब हमने देखा कि सी एच इसमें भी था और बारालाचला में भी सी एच था, तो थ्री जो है चनाब बारालाचला पास हिमाचल प्रदेश निकलती है। और सतलेज अभी हमने देखा कि सतलेज भी इंडस जहां से निकलती है उसी के पास से, यानी लेक रकास जो कि लेक मानसरोवर के पास है वहीं से निकलती है। तो ऑप्शन सी अगर आप देखोगे, वन थ्री के साथ जाएगा, ऐसे टू जो है फोर के साथ जाएगा, थ्री वन के साथ जाएगा और फोर टू के साथ जाएगा। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, आई होप आप ये कर पाए होंगे। Moving on to the next one, which Indian river is not a tributary of Indus? Indus की कौन सी tributary नहीं है? Nubra, Jhelum, Chenab. अभी हमने देखा कि Jhelum, Chenab ये आते हैं, जो नीचे की साउथ में पांच रिवर्स हैं उनमें tributary है, लेकिन Nubra हमने नहीं पढ़ा, बट मैंने बताया कि Nubra भी एक tributary है जो कि लद्दाख रीजन में है Indus की। बट इफ यू सी गोमती हियर, गोमती इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ Indus, क्योंकि गोमती जो है ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है जो हम आगे देखेंगे। सो गोमती इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ Indus। आई होप दोनों क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाए होंगे। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द गंगस, गंगा रिवर। अब गंगा जो है, गंगा इसका जो रिवर सिस्टम है, दैट्स कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रिवर है जो इन ग्रेट इंडियन प्लेन्स है इंडिया के, उनके थ्रू फ्लो होने वाली रिवर है, एंड इट्स कॉल्ड एज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया। अब इसका देखते हैं कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ जाती है। उत्तराखंड में यहाँ पे एक जगह है जिससे हम कहते हैं गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर यूके उत्तराखंड में है, वहीं से रिवर स्टार्ट होती है उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश में जाती है, फिर आगे बिहार में जाती है, फिर वेस्ट बंगाल में जाती है और फिर आगे बांग्लादेश में जाती है। ये रिवर है रिवर गंगा। अब ये रिवर जो है ये अकेले ही आगे किस में नहीं जाती, बे ऑफ बंगाल में नहीं जाती, रादर क्या होता है कि ऊपर से और एक रिवर आती है जिसे हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र, जो यहाँ अरुणाचल प्रदेश से घुसती है और बीच आसाम में फिर बांग्लादेश में ये दोनों मिलते हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के साथ मिलती है, गंगा ब्रह्मपुत्र के साथ मिलती है, लेकिन कहाँ पे ये मिलते हैं, बांग्लादेश में। अब आपको याद रखना है कि जो ब्रह्मपुत्र है उसको बांग्लादेश में जमुना कहते हैं और गंगा जो है उसको बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि जब गंगा बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं और जो ब्रह्मपुत्र है उसको जमुना कहते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, गंगा जमुना तहजीब आपने सुना होगा, गंगा गंगा है और जमुना किसको कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। यू शुड नो अबाउट दिस। ये दोनों मिलती है बांग्लादेश में और ये फिर दोनों आगे जाके कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में, जहाँ पे ये डेल्टा बनाती है, उस डेल्टा को हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब जब ये दोनों मिलती है फिर इस रिवर को कहा जाता है मेघना। You should know about this. गंगा जब बांग्लादेश में जाती है उसको पद्मा कहते हैं, ऊपर से ब्रह्मपुत्र आती है जिसको बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, दोनों मिलते हैं और दोनों के कॉन्फ्लुएंस को हम मेघना कहते हैं। You should know about this. So मेघना, गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिलते हैं तो वो मेघना बनाते हैं, या पद्मा और जमुना जब मिलते हैं तो वो मेघना बनाते हैं। वन मोर थिंग अबाउट हेयर के यहाँ पे आप देख सकते हो ये सुंदरबन डेल्टा है, एंड जब यहाँ पे गंगा जो है जब
वेस्ट बंगाल में जाती है, तो वेस्ट बंगाल में इसके दो हिस्से होते हैं, एक यहाँ से जो बांग्लादेश में जाती है और एक ये वेस्ट बंगाल के थ्रू जाती है और ये बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो आप कह सकते हो कि ये जो यहाँ से निकल रही है ये वाली रिवर, ये डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की। ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी मतलब जो यहाँ से आके गंगा में मिल जाए, गंगा को पानी दे, उसको हम ट्रिब्यूटरी कहेंगे। लेकिन जो गंगा से ही निकले, जो रिवर गंगा से ही निकले, उसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। सो यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है गंगा की, जिसको हम कहते हैं हुगली रिवर। इंपॉर्टेंट है हुगली रिवर, क्योंकि इसी हुगली रिवर के ऊपर कोलकाता शहर बसा हुआ है। हुगली ब्रिज के बारे में शायद आपने पढ़ा होगा, हुगली रिवर के ऊपर कोलकाता बसा हुआ है, जो कि वेस्ट बंगाल का एक इंपॉर्टेंट शहर है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए आप, कि गंगा को पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं, दोनों मिलके मेघना बनाते हैं, और फिर आगे डेल्टा जो है इनका उसको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। लेकिन गंगा बांग्लादेश में जाने से पहले उसकी एक यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है, जिसे हम हुगली कहते हैं, और हुगली पे ही कोलकाता शहर बसा हुआ है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स यू शुड रिमेम्बर। आपको याद रखना है उत्तराखंड से निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, और यहाँ पे फिर उत्तर प्रदेश के थ्रू, बिहार के थ्रू, और फिर वेस्ट बंगाल के थ्रू बांग्लादेश में जाती है। दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स यू शुड नो अबाउट द गंगा रिवर। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, गंगा जब निकलती है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में जो हिमालयस हैं वहां से जब ये निकलती है, तो वहां पे एक ही रिवर नहीं निकलती है, बल्कि कुछ रिवर्स हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, जो मिलके गंगा को बनाती हैं। अब वो कौन कौन सी है, आपको याद रखना है कि वहां पे यमुनोत्री ग्लेशियर है पहले, फिर गंगोत्री ग्लेशियर है, फिर उसके बाद केदारनाथ है, केदारनाथ के बारे में आपने सुना होगा, एंड उसके बाद फिर बद्रीनाथ है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हिंदूज के लिए इम्पोर्टेंट टेम्पल्स भी हैं, यहाँ पे उन्होंने बनाए हैं, यमुनोत्री में भी, गंगोत्री में भी, केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी। ये चार प्लेसेस आपको याद होनी चाहिए, यहाँ पे ग्लेशियर्स भी हैं। अब इन यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ, यहाँ से एक रिवर निकलती है, हर एक से एक रिवर निकलती है। यमुनोत्री से एक रिवर निकलती है जिसे हम यमुना कहते हैं, गंगोत्री से जो एक रिवर निकलती है उसे हम भागीरथी कहते हैं। अभी हमने देखा कि मैंने लिखा था कि ये जो गंगा है वो गंगोत्री से निकलती है, लेकिन यहाँ पे जब गंगोत्री से ये निकलती है उसको तब गंगा नहीं कहते हैं, तब उसको भागीरथी कहते हैं। तो जो गंगा गंगोत्री से जो रिवर निकलती है उसको हम भागीरथी कहते हैं, फिर आगे जाके उसको गंगा कहते हैं, वो हम अभी देखेंगे। तो ये आपको याद होना चाहिए कि यमुनोत्री से यमुना निकलती है, फिर गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, केदारनाथ से मंदाकिनी निकलती है, और बद्रीनाथ से अलकनंदा निकलती है। सो यू शुड रिमेम्बर, यमुनोत्री से यमुना, गंगोत्री से भागीरथी, केदारनाथ से मंदाकिनी, और बद्रीनाथ से अलकनंदा। अब यहाँ पे ये रिवर्स जो हैं ये एक एक करके यहाँ से भी आती है, धौली गंगा, पिंडार गंगा, नंदाकिनी, ये एक एक करके इस अलकनंदा जो बद्रीनाथ से आती है उसमें मिलती जाती है, और जहां जहां पे ये मिलती हैं उनको हम प्रयाग कहते हैं, उनको हम प्रयाग कहते हैं। यहाँ पे पांच प्रयाग है इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज विष्णु प्रयाग, यहाँ पे धौली गंगा और अलकनंदा मिलते हैं। फिर उसके बाद नंद प्रयाग है, यहाँ पे नंदाकिनी और अलकनंदा मिलते हैं। फिर कर्ण प्रयाग है, वहां पे पिंडार गंगा और अलकनंदा मिलते हैं। फिर यहाँ पे रुद्र प्रयाग है, वहां पे मंदाकिनी और अलकनंदा निकलते हैं। और इम्पोर्टेंट यहाँ पे है देव प्रयाग, देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं। सो हर एक प्रयाग पे एक तो अलकनंदा होती है, अलकनंदा मिलती है, और उसके साथ दूसरी कोई मिलती है। ये पांच प्रयाग है, बट इम्पोर्टेंट यहाँ पे है देव प्रयाग। देव प्रयाग इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि यहाँ पे मिलती है भागीरथी जो गंगोत्री से आती है, और अलकनंदा, और यहीं से आगे जो है गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से प्रयाग के बाद गंगा को गंगा कहा जाता है, यू शुड नो इट इज देव प्रयाग। और देव प्रयाग पे भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं, देव प्रयाग पे भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं। भागीरथी गंगोत्री से आती है और बद्रीनाथ से अलकनंदा आती है, और यहीं से गंगा की हम मान सकते हैं कि गंगा नाम की शुरुआत होती है। फिर इस गंगा में आगे यमुनोत्री से आने वाली यमुना निकलती है, मिलती है, और ये गंगा और यमुना फिर कहाँ मिलते हैं, प्रयागराज में, जो आज जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था, फिर उसका नाम प्रयागराज रखा गया रिसेंटली। तो प्रयागराज इसलिए रखा गया क्योंकि वहां पे गंगा और यमुना मिलते हैं, और प्रयाग अभी हमने देखा उस जगह को कहते हैं जहाँ पे दो रिवर्स मिलती हैं। सो प्रयागराज का मतलब है जो सबसे बड़ा प्रयाग हो, तो गंगा यमुना जहाँ पे मिलते हैं वो सबसे बड़ा प्रयाग है, इसलिए उसको प्रयागराज कहा गया। आई होप अब इम्पोर्टेंट चीज जो आपको याद होनी चाहिए वो ये है कि गंगोत्री से भागीरथी निकलती है और
बद्रीनाथ से अलकनंदा निकलती है। और आपको याद होना चाहिए कि देवप्रयाग पे भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं और वहीं से गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। और मंदाकिनी और अलकनंदा ये जहाँ पे मिलते हैं उसको रुद्रप्रयाग कहते हैं। तो रुद्रप्रयाग का आपको पता होना चाहिए, वहां पे मंदाकिनी और अलकनंदा मिलते हैं और देवप्रयाग पे भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। नाउ मूविंग ऑन, अब हम देखेंगे वन बाय वन डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज जो गंगा की हैं। स्टार्टिंग विद, अभी हमने देखा कि ये उत्तराखंड से निकलती है, फिर उत्तर प्रदेश में इसका मेजर पार्ट है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो गंगा है, गंगा रिवर सिस्टम का मेजर जो पार्ट है वो कहाँ है, वो उत्तर प्रदेश स्टेट में है। सबसे पहले अभी हमने देखा यहाँ पे यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर दरअसल वहां पे माउंटेन पीक है जिसे बंदर पूछ कहते हैं, याद रखना है बंदर पूछ माउंटेन रेंज है, माउंटेन पीक है, वहां पे यमुनोत्री ग्लेशियर है। यमुनोत्री ग्लेशियर से एक रिवर आती है जो कि आगे जाके मिलती है किसके साथ, गंगा के साथ, और उस रिवर का नाम है यमुना। सो फर्स्ट ट्रिब्यूटरी जो आपको याद होनी चाहिए दैट इज यमुना, गंगा की पहली ट्रिब्यूटरी यमुना है। यमुना निकलती है यमुनोत्री से जो कि बंदरपूछ माउंटेन पीक से निकलती है, और जहां पे ये मिलती है उसको अलाहाबाद कहते थे, अब उसको प्रयागराज कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि गंगा और यमुना कहाँ मिलते हैं, प्रयागराज में मिलते हैं या फिर अलाहाबाद में मिलते हैं, अभी हमने ये देखा। अब आपको यमुना की तीन चार ट्रिब्यूटरीज पता होनी चाहिए। यमुना की पहली ट्रिब्यूटरी जो है उसे चंबल कहते हैं, चंबल लास्ट लेक्चर में हमने देखा था द रिवाइंस ऑफ चंबल। तो चंबल, फिर उसके बाद सिंध है, फिर उसके बाद बेटवा है, फिर उसके बाद कैनोन है। तो ये चार आपको पता होनी चाहिए, यमुना की चार ट्रिब्यूटरी, चंबल, सिंध, बेटवा एंड कैनोन। मे भी पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, तो आपको याद होना चाहिए सबसे पहले चंबल है, दूसरी आपकी सिंध है, तीसरी बेटवा है एंड चौथी कैनोन है। सो चार आपको याद होनी चाहिए यमुना की ट्रिब्यूटरी, चंबल, सिंध, बेटवा एंड कैनोन। और यमुना कहाँ मिलती है, अलाहाबाद में मिलती है गंगा के साथ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, जो दूसरी ट्रिब्यूटरी आपको यहाँ पे दिख रही है उसको हम कहते हैं सोन। सो गंगा की पहली ट्रिब्यूटरी यमुना हमने देखी, दूसरी सोन है। अब सोन यहाँ पे निकलती है मध्य प्रदेश में, जहां से ये निकलती है उसको हम कहते हैं अमरकंटक प्लेट्यू। क्या कहते हैं, अमरकंटक प्लेट्यू। अब अमरकंटक प्लेट्यू से और एक रिवर निकलती है जिसको हम कहते हैं नर्मदा। अब नर्मदा इंपॉर्टेंट रिवर है क्योंकि वो एक पेनिनसुलर रिवर है और वो एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वो भी इसी अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। तो याद रखना है सोन जो कि एक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, वहीं से निकलता है, वो निकलती है अमरकंटक प्लेट्यू से, और अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है नर्मदा, जो कि आपको आगे हम पढ़ाएंगे पेनिनसुलर रिवर्स में। सो फर्स्ट रिवर या फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इज यमुना, सेकेंड इज सोन। तो यमुना और सोन ये दोनों राइट बैंक है, क्योंकि यहाँ से अगर खड़े हो जाओगे ये राइट साइड आएगा और ये लेफ्ट साइड आएगा। सो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी पहली यमुना है, दूसरी सोन है। उसके बाद थर्ड है दैट्स कॉल्ड एज पुनपुन। बिहार में एक रिवर है जिसे हम पुनपुन कहते हैं, वो पुनपुन रिवर भी एक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। तो तीन हमने देखी, यमुना, सोन और पुनपुन। इसके अलावा अगर हम ऊपर से देखेंगे अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, तो सबसे पहले आपको दिखेगी रामगंगा। याद रखना है यमुना, सोन और पुनपुन नीचे है, इसके अलावा भी और एक है दामोदर जो हम अभी देखेंगे। याद रखना है यमुना, सोन एंड पुनपुन, ऊपर रामगंगा है, दूसरी गोमती है, इसी गोमती रिवर के किनारे पे लखनऊ शहर बसा हुआ है। याद रखना है अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी रिवर के ऊपर लखनऊ शहर बसा हुआ है, लखनऊ जो कि कैपिटल है उत्तर प्रदेश की, वो है बसा गोमती रिवर के किनारे पे। देन द थर्ड वन, यहाँ पे दरअसल जो गोमती है, गोमती की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, एक गागरा है, गागरा, GAGHRA गागरा, और दूसरी है जिसे हम सरयू या काली कहते हैं। सरयू और काली ये एक ही रिवर है, इनके इसके दो नाम है, सरयू काली और गागरा मिलके गोमती बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि गागरा, सरयू और काली ये भी ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की। तो याद रखना है यमुना, सोन, पुनपुन, रामगंगा, गोमती, गोमती के किनारे लखनऊ बसा है, और ऊपर गागरा, सरयू और काली है। फिर उसके बाद गंडक है, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, याद रखना है गंडक। देन वी हैव अनदर जिसे हम कोसी कहते हैं। अब कोसी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, कोसी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कोसी रिवर, इसको कहा जाता है सौरो ऑफ बिहार, आपने सुना होगा मे बी, क्योंकि कोसी रिवर जो है ये अपनी फ्लड्स के लिए अक्सर इसमें फ्लड्स आते रहते हैं और बिहार में ये बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन करती है, दैट्स व्हाई कोसी रिवर को बिहार, सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, ये भी एक ट्रिब्यूटरी है। सो अगर हम फिर से रिवाइज करेंगे जो ट्रिब्यूटरीज हमने देखी लेफ्ट बैंक, नीचे हमने देखा यमुना, सोन और पुनपुन, सबसे पहली जो है उसको रामगंगा कहेंगे, सो रामगंगा, जो दूसरी है उसको हम कहेंगे गोमती जिसके किनारे लखनऊ बसा है, और गोमती की कुछ ट्रिब्यूटरीज है जैसे गागरा,
सरयू और काली, फिर उसके बाद जो ट्रिब्यूटरी आती है उसको हम कहते हैं गंडक, और फिर उसके बाद जो आती है वो है कोसी, और कोसी को हम कहते हैं सौरव बिहार। अब यहाँ पे अभी हमने देखा कि एक डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की जिसे हम कहते हैं हुगली कहते हैं, तो यहाँ से हुगली निकलती है और हुगली आगे बे बंगाल में जाती है, ये एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। लेकिन इस हुगली रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जिसे हम दामोदर कहते हैं, याद रखना है दामोदर इज ए, अब दामोदर को हम मान सकते हैं कि ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की, लेकिन है ये असल में किसकी, हुगली रिवर की। अब दामोदर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि दामोदर को कहा जाता है सौरव ऑफ बंगाल, याद रखना है दो रिवर्स हैं यहाँ पे, दामोदर दिस इज द सौरव ऑफ बंगाल एंड कोसी दिस इज द सौरव ऑफ बिहार, ये आपको याद होना चाहिए। अगर फिर से रिवाइज करेंगे वन बाय वन सबको, सबसे पहली ट्रिब्यूटरी जो हमने देखी, सबसे पहली यमुनोत्री से आने वाली बंदरपूंछ पीक से यमुना, सबसे पहले जहाँ पे ये मिलती है वो अलाहाबाद या आज का प्रयागराज है। यमुना की चार ट्रिब्यूटरीज है, सबसे पहले चंबल, दूसरी सिंध, तीसरी बेटवा एंड द फोर्थ वन इज द कैनॉन ले, कैनॉन रिवर। तो ये चार ट्रिब्यूटरीज है यमुना की। यमुना के बाद दूसरी ट्रिब्यूटरी जो हमने देखी वो सोन है, सोन निकलती है अमरकंटक प्लेट्यू से, वहीं से नर्मदा भी निकलती है। उसके बाद पुनपुन बिहार की एक छोटी सी रिवर है पुनपुन, सो ये तीन रिवर्स राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की। ऊपर से आने वाली सबसे पहली रामगंगा है, दूसरी जिसे हम गोमती कहते हैं जिसके किनारे लखनऊ बसा है। गोमती की ट्रिब्यूटरीज हैं गागरा सरयू एंड काली। फिर उसके बाद जो रिवर है उसे हम कहते हैं गंडक, गंडक के बाद जो है उसको हम कोसी कहते हैं, कोसी को हम सौरव बिहार कहते हैं। और नीचे से हमने देखा कि जो डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की जिसे हुगली कहा जाता है, हुगली की एक ट्रिब्यूटरी है जिसे दामोदर कहते हैं, और दामोदर को हम सौरव ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। आई होप ये चीजें आपको याद हो गई होंगी, और अगर पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट कौन सी ट्रिब्यूटरी है, आपको याद होना चाहिए इट इज द यमुना, यमुना है सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी किसकी, गंगा की। अब क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पे मिलते हैं, अभी हमने देखा, मैंने बताया कि दो प्रयाग आपको याद होने चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा प्रयाग है दैट इज द यमुना एंड गंगा का जो प्रयाग है उसे हम प्रयागराज कहते हैं। लेकिन जो भागीरथी और अलकनंदा जो है, भागीरथी जो कि आती है गंगोत्री से और अलकनंदा जो कि आती है बद्रीनाथ से, ये दोनों जो मिलती हैं ये कहाँ पे मिलती है, देवप्रयाग में। सो याद रखना है देवप्रयाग पे मिलती है भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा मिलती है देवप्रयाग में, और इसी देवप्रयाग के आगे फिर उसको गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन ओनली द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, कौन से ऑप्शन में सिर्फ गंगा की ट्रिब्यूटरीज नहीं है। रामगंगा ये है ट्रिब्यूटरी, गोमती ये भी ट्रिब्यूटरी है, और गागर या गागरा ये भी ट्रिब्यूटरी है। ये तीनों लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ऊपर से हमने देखा पहली जो थी ऊपर से लेफ्ट साइड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी वो रामगंगा ही थी, फिर हमने देखा तीसरी जो थी वो गोमती थी, फिर हमने देखा गोमती के किनारे लखनऊ बसा है, और गागरा इस में हमने देखा कि ये गागरा जो है ये भी ट्रिब्यूटरी है लेफ्ट बैंक गंगा की। देन वी हैव गंडक, गंडक भी ट्रिब्यूटरी है, कोसी कोसी भी है, सौरव बिहार कहते हैं, यमुना ये भी ट्रिब्यूटरी है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, सरयू ये भी है क्योंकि ऊपर हमने देखा कि सरयू गागरा और काली, तो काली भी आएगा, फिर कोसी है ये भी है, यमुना भी है, सरयू भी है, लेकिन मानस इस तरह की ट्रिब्यूटरी हमने नहीं देखी। अब नीचे देखोगे आप रामगंगा, गोमती, गागरा, कोसी एंड काली ये सारी हैं। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा क्योंकि मानस ट्रिब्यूटरी नहीं है इसकी गंगा की। आई होप ये कर पाए होंगे आप। नाउ द क्वेश्चन इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना लाइज एट, इसका ये मतलब है कि गंगा और यमुना जहाँ पे मिलते हैं उसको क्या कहते हैं या वो कहाँ पे मिलते हैं, क्या वो गंगोत्री में मिलते हैं, नहीं, गंगोत्री से तो भागीरथी निकलती है, देवप्रयाग नहीं, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं, प्रयागराज, हाँ प्रयागराज इज द करेक्ट ऑप्शन, प्रयागराज में ही गंगा और यमुना मिलते हैं। लखनऊ, लखनऊ कौन सी ट्रिब्यूटरी के किनारे था, वो अभी हमने देखा कि वो गोमती के किनारे हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, प्रयागराज में गंगा और यमुना मिलते हैं। नाउ द सेकेंड वन इज द ब्रह्मपुत्र, अब इंडीड द थर्ड वन इज द ब्रह्मपुत्र, अभी इंदस और गंगा हमने देखे, अब हम ब्रह्मपुत्र पे आते हैं। तो गंगा हमने देखा ये गंगा है, बट इफ यू सी ब्रह्मपुत्र जो है वो भी तिब्बत से निकलती है, और यहीं से जहां से इंदस निकली थी, कहां पे, माउंट कैलाश में लेक मानसरोवर के पास से ही निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र भी। लेकिन जब ये आगे जाती है तो ये अरुणाचल प्रदेश में अंदर जाती है, इंडिया के अंदर एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश में, फिर आगे ये आसाम के थ्रू बांग्लादेश में जाती है, और आगे फिर ये
गंगा के साथ मिलती है। तो अभी हमने देखा कि बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं, गंगा को हम पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में, और दोनों जब मिलती हैं इनको मेघना कहा जाता है, और जहां पे ये जो इनका डेल्टा है उसको हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। अब ये जहां से निकलती है लेक मानसरोवर के पास ही निकलती है, लेकिन कौन से ग्लेशियर से? ये चेम युंग दुंग ग्लेशियर से निकलती है। याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र चेम युंग दुंग ग्लेशियर से निकलती है। अगर क्वेश्चन में चेम युंग दुंग ग्लेशियर दिया हुआ हो तो ये भी करेक्ट है, अगर लेक मानसरोवर भी दिया हुआ ये भी आप मान सकते हो क्योंकि वो पास में ही है, और अगर माउंट कैलाश दिया हुआ वो भी करेक्ट है। याद रखना है कि चेम युंग दुंग ग्लेशियर से निकलता है ब्रह्मपुत्र, याद रखना है चेम युंग दुंग ग्लेशियर से निकलता है ब्रह्मपुत्र। अब ये तिब्बत में इसका एक बहुत बड़ा कोर्स है, लंबा कोर्स है, तिब्बत में इसको नाम यारलुंग सांगपो नाम से जाना जाता है। याद रखना है ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यारलुंग सांगपो या यारलुंग जांगपो भी कहते हैं, सो यारलुंग सांगपो और जांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में जाना जाता है। याद रखना है यारलुंग सांगपो इस नाम से जाना जाता है तिब्बत में, और चेम युंग दुंग ग्लेशियर से निकलती है ये ब्रह्मपुत्र। अब जब ये एंटर होती है, ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है, लेकिन वहां पे एक पास है जिसे हम कहते हैं योंग्याब पास। योंग्याब पास आपको याद रखना है, वहीं से एंटर होती है इंडिया में, याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी स्टेट में एंटर होती है ब्रह्मपुत्र, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, ये यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है और वहां पे एक पास है जिसे योंग्याब पास कहते हैं, वहीं से एंटर होती है। तो स्टेट कौन कौन सी है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, फिर आगे असम, और असम में से फिर ये आगे बांग्लादेश में जाती है। तो दो स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश एंड असम, और आगे ये बांग्लादेश में जाती है। सो योंग्याब पास से एंटर होती है। अब जब ये एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश में, तो इसको दिहांग नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है इसको दिहांग नाम से अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है, क्योंकि दिहांग नाम की एक ट्रिब्यूटरी भी है, किसकी? ब्रह्मपुत्र की। सो द फर्स्ट ट्रिब्यूटरी जिसके बारे में हमें पढ़ना है, दैट इज दिहांग। याद रखना है दिहांग और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को भी दिहांग नाम से ही जाना जाता है जहां पे ये एंटर होती है। सो फर्स्ट ट्रिब्यूटरी इज दिहांग, उसके बाद दिबांग है, सो दिहांग दिबांग, उसके बाद लोहित है, फिर उसके बाद दानसिरी है, फिर उसके बाद कोपीली है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी याद रखना है, फिर से स्टार्ट करते हैं, दिहांग दिबांग लोहित दानसिरी एंड कोपीली, ये याद होनी चाहिए, दिहांग दिबांग लोहित दानसिरी एंड कोपीली। फिर से रिवाइज करेंगे, दिहांग दूसरी दिबांग लोहित दानसिरी एंड द लास्ट वन इज कोपीली, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सुबानसिरी आती है, जैसे नीचे दानसिरी थी ऊपर सुबानसिरी है, फिर उसके बाद कामेंग है, याद रखना है कामेंग है, और उसके बाद मानस है, अभी ऑप्शन में आया था मानस। उसके बाद और एक है जिसे हम कहते हैं तीस्ता, सिक्किम से एक आती है जिसे हम तीस्ता कहते हैं, वहां पे एक लेक है सोलामू लेक, या चोलामू लेक भी कहते हैं। सिक्किम में एक लेक है चोलामू या सोलामू लेक, जो कि इंडीड हाईएस्ट लेक है इंडिया की, हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, वहां से तीस्ता रिवर आती है, और तीस्ता रिवर मिलती है ब्रह्मपुत्र में। तीस्ता को माना जाता है कि ये पहले गंगा की ट्रिब्यूटरी थी, लेकिन फिर ये वहां इसमें फ्लड्स आए, इसने अपना कोर्स चेंज किया और ये ब्रह्मपुत्र के साथ मिल गई। तो ऊपर की ट्रिब्यूटरीज में सुबानसिरी, कामेंग, मानस और तीस्ता, सुबानसिरी, कामेंग, मानस और तीस्ता। सो फिर से रिवाइज करेंगे, सबसे पहले जब एंटर होती है वहीं पे इसको दिहांग नाम से जाना जाता है, इंडीड दिहांग इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। फिर दिबांग है, थर्ड वन लोहित, फोर्थ वन दानसिरी, और फिफ्थ वन इज कोपीली। और राइट साइड में यहाँ पे दानसिरी था, यहाँ पे पहली जो थी वो सुबानसिरी है, दूसरी फिर कामेंग है, तीसरी फिर मानस है, और चौथी तीस्ता रिवर जो क्या आती है सिक्किम से सोलामू लेक से निकलती है। तो दीज आर द ऑल्डर ट्रिब्यूटरी जो आपको पता होनी चाहिए। फिर से रिवाइज करेंगे, दिहांग दिबांग लोहित दानसिरी एंड कोपीली, ऊपर से अगर देखेंगे सुबानसिरी कामेंग मानस और तीस्ता रिवर जो क्या आती है सोलामू लेक से। सो आई होप ये ट्रिब्यूटरी याद हो गई होंगी, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड इसको आप एक कोशिश कीजिए आपकी, आप पेन और पेपर उठाइए और रफ पे आप ड्रॉ कीजिए कि ब्रह्मपुत्र आती है, पहले दिहांग मिलती है, फिर दिबांग लोहित दानसिरी। तो इस तरह से एक बिना देखे आप इसको कोशिश कीजिए कि आप इसको रफ पे ड्रॉ करो, तो इस तरह से आप इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र इनकी ट्रिब्यूटरीज को ड्रॉ करने की कोशिश करो, इससे आपको ये याद हो जाएंगे। अब ब्रह्मपुत्र के बारे में जो फैक्ट्स मैंने अभी बताया कि चेम युंग दुंग ग्लेशियर से निकलती है कैलाश माउंटेन रेंज से, इसकी टोटल लेंथ अराउंड 2900 किलोमीटर है, जो कि तिब्बत इंडिया और फिर बांग्लादेश में जाती है। इसको यारलुंग सांगपो या सांगपो नाम से जाना जाता है, कहाँ पे? तिब्बत में। ये
अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है और अरुणाचल प्रदेश में ये दिहांग नाम से एंटर होती है योंग्या पास के पास, योंग्या पास से ये एंटर होती है और वहां पे सादिया टाउन है, याद रखना है सादिया टाउन, ऐसे DIY सादिया टाउन है अरुणाचल प्रदेश में, वहीं से ये एंटर होती है और वहीं पे इसके साथ दिहांग ट्रिब्यूटरी जो है वो मिलती है, दिहांग और लुई ट्रिब्यूटरी वहीं पे सादिया टाउन में एंटर इसके साथ मिलती है। तो मे बी यार क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में कौन से टाउन में एंटर होती है, तो याद रखना है सादिया। इसी सादिया के बाद इसको फिर आगे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। अब ये फोर लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, सॉरी बाय वॉल्यूम अगर हम बात करें, बाय वॉल्यूम ये फोर लार्जेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड में काउंट होती है। फिर उसके बाद आपको याद रखना है कि तीस्ता, अभी जो मैंने बताया कि जो सोलामू लेक से निकलती है, सोलामू लेक जो सिक्किम में है, जो हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, वो ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी गंगा की। लेकिन 1787 में जब फ्लड्स आए तो उस तीस्ता रिवर ने अपना कोर्स चेंज किया, पहले वो यहाँ जाती थी, फिर अब वो किसकी ट्रिब्यूटरी बनी, ब्रह्मपुत्र की। उसके बाद आपको याद रखना कि माजुली एक रिवर आइलैंड है जो कि यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश में, वो माना जाता है आई थिंक असम में शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आप चेक कर सकते हो। माजुली एक रिवराइन आइलैंड है, रिवराइन आइलैंड मतलब एक ऐसा आइलैंड जो कि एक रिवर के बीच में हो, वो उसका अराउंड 1250 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, वो है ब्रह्मपुत्र में। और ये लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, कौन सा लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज दिस माजुली। अब रिवर आइलैंड कैसे बनता है, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल एक रिवर आई, एक इसकी ऐसे गई, एक डिस्ट्रीब्यूटरी यहाँ से आई थी और एक डिस्ट्रीब्यूटरी इस तरह से गई, तो जब आगे ये मिली तो बीच में ये जो एरिया बचा, ये जो आइलैंड बचा, ये एक रिवराइन आइलैंड बना। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड जो है रिवराइन आइलैंड या रिवर आइलैंड, वो माजुली है, वो इसी ब्रह्मपुत्र से बना है। देन नेशनल वाटरवेज, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए बिकॉज कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट आपके सिलेबस में है। सो नेशनल वाटरवे टू ये आपको याद रखना है, ये ब्रह्मपुत्र में है, यहाँ जहाँ से एंटर होती है सादिया से स्टार्ट होगी धूबरी तक, सादिया टू धूबरी नेशनल वाटरवे टू है जो कि ब्रह्मपुत्र में लाइक करता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इन रिवर्स इज नॉट ट्रांस हिमालयन रिवर, इसका ही मतलब है कि कौन सा रिवर ट्रांस हिमालयन नहीं है, ट्रांस हिमालय से नहीं निकलता है। सो इंदस, अगर आप देखोगे इंदस भी जो है ये भी लेक मानसरोवर के पास निकलती है, ब्रह्मपुत्र ये भी कैलाश माउंटेन से ही निकलती है लेक मानसरोवर के पास, सतलुज ये भी लेक मानसरोवर के पास निकलती है, अलग अलग ग्लेशियर से निकलते हैं ये, लेकिन उसी कैलाश माउंटेन रेंज से ये तीनों निकलते हैं। लेकिन अगर आप गंगा देखोगे, गंगा कहाँ से निकलती है, ये गंगोत्री ग्लेशियर जो कि है उत्तराखंड में, वहीं से निकलती है। तो जो कैलाश माउंटेन रेंज है, जो जहाँ से इंदस, ब्रह्मपुत्र और सतलुज निकलते हैं, ये तीनों जो है ये कैलाश से निकलते हैं, और कैलाश इज अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयस, याद रखना है कि कैलाश ट्रांस हिमालयस का पार्ट है, वहीं से ये तीनों निकलती है, इसलिए इन तीन को कहा जाता है ट्रांस हिमालयन रिवर्स, याद रखना है। इंदस, ब्रह्मपुत्र एंड सतलुज कहाँ से निकलती हैं, कैलाश माउंटेन रेंज से निकलती है, और कैलाश माउंटेन रेंज ट्रांस हिमालयस में आता है, इसलिए इनको ट्रांस हिमालयस कहते हैं। गंगा गंगोत्री से निकलती है, और गंगोत्री कहाँ है, ये हिमालयस में है, ग्रेट हिमालयस में है, इसलिए ये ट्रांस हिमालय में नहीं आएगा। सो ऑप्शन सी, गंगा इज नॉट अ ट्रांस हिमालयन रिवर, आई होप समझ आ गया होगा। मूविंग ऑन, ब्रह्मपुत्र इज कॉल्ड एज डायरेक्शन इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में क्या कहते हैं ब्रह्मपुत्र को, अभी हमने देखा कि यारलुंग सांगपो तो तिब्बत में कहते हैं, लेकिन गंगा जमुनी तहजीब, तो गंगा जमुना कहते हैं ब्रह्मपुत्र को, कहाँ, बांग्लादेश में। सो जमुना इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, कौन सी इनमें से ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी नहीं है, दिहांग हाँ है पहली ट्रिब्यूटरी, फिर लोहित है, ये भी है, धानसिरी भी है, इसके अलावा सुबानसिरी है, मानस है, लेकिन गागरा जो है ये ट्रिब्यूटरी है गंगा की, अभी हमने देखा गंगा की ट्रिब्यूटरी है गागरा, सो गागरा इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। Then moving on to the peninsula rivers, अब हम peninsula rivers को देखेंगे, तो ये जो अभी आप ऊपर rivers देख रहे हो ये है, इनको हम northern rivers कहते हैं, इनकी tributaries हमने देखी वन बाई वन, बट अब हम नीचे आते हैं, नीचे जो इंडियन rivers हैं उनको हम peninsula rivers कहते हैं, उनको हम वन बाई वन देखेंगे कि कौन सी वेस्ट फ्लोइंग है और कौन सी ईस्ट फ्लोइंग है। सबसे पहली रिवर यहाँ पे, दिस इज छत्तीसगढ़ से निकलती है रायपुर में और उड़ीसा में एंटर होके बिहार बंगाल में जाती है, इस रिवर को कहा जाता है महानदी, याद रखना है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दो स्टेट्स के थ्रू जाती है महानदी रिवर। देन वी हैव अनदर जो महाराष्ट्र से निकलती है, फिर यहाँ पे तेलंगाना और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, चार स्टेट्स महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, इस रिवर को कहा जाता है गोदावरी, एंड गोदावरी ये लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की। सो महानदी गोदावरी, महानदी दो स्टेट से गई, गोदावरी चार से गई, फिर उसके बाद कृष्णा रिवर है ये भी चार से जाती है, ये भी महाराष्ट्र से निकलती है नासिक के पास, लेकिन
ये कहाँ से आती है, ये फिर कर्नाटक में जाती है, फिर जाती है तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश में। तो डिफरेंस गोदावरी और कृष्णा में ये है कि गोदावरी छत्तीसगढ़ में गई थी, लेकिन कृष्णा छत्तीसगढ़ में नहीं जाती बल्कि ये नीचे कर्नाटक में जाती है, बाकी ये भी चार स्टेट्स के थ्रू जाती है। देन वी हैव अनदर दैट्स कॉल्ड एज कावेरी। तो कावेरी दो ही स्टेट्स के थ्रू जाती है, यहाँ से निकलती है कर्नाटक में और कर्नाटक के बाद तमिलनाडु में। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये हैं, इनको हम कहते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ये बे ऑफ बंगाल में जाते हैं और ईस्ट की तरफ जाते हैं। तो ये चार रिवर्स आपको याद रखना है, ये ईस्ट फ्लोइंग है क्योंकि ये ईस्ट की तरफ जाती है, इस तरफ जाती है ये। एंड महानदी और कावेरी ऊपर और नीचे जो है, ये दो जो है ये दो ही स्टेट्स के थ्रू जाती है, महानदी छत्तीसगढ़ और वेस्ट छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के थ्रू, एंड कावेरी कर्नाटक और तमिलनाडु के थ्रू। गोदावरी और कृष्णा ये चार चार स्टेट्स के थ्रू जाती हैं, महाराष्ट्र से दोनों निकलती हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के थ्रू भी जाती है दोनों, लेकिन कृष्णा यहाँ पे जाती है कर्नाटक के थ्रू और गोदावरी जाती है छत्तीसगढ़ के थ्रू। इसके बाद अब हम देखेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ये भी पेनिनसुलर रिवर एक है जो यहाँ से मध्य प्रदेश अमरकंटक प्लेटू से निकलती है। अभी हमने देखा कि गंगा की एक ट्रिब्यूटरी थी जिसे हम सोन कहते हैं, सोन भी अमरकंटक प्लेटू से निकलती है, वहीं से निकलती है नर्मदा, नर्मदा निकलती है और आगे जाके इसे गल्फ ऑफ खंबाट कहते हैं, इसे गल्फ ऑफ कच्छ कहते हैं। तो ये गल्फ ऑफ कच्छ है और ये गल्फ ऑफ खंबाट है। नर्मदा मध्य प्रदेश से निकलती है गुजरात के थ्रू, गल्फ ऑफ खंबाट या अरेबियन सी में मिलती है। ये एक वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है। इसके नीचे और एक रिवर है जिसे ताप्ती कहते हैं, ताप्ती भी जो है ये एमपी से ही निकलती है और अरेबियन सी में जाती है। इसके अलावा और एक रिवर है जिसे मही कहते हैं, मही इस तरह से होनी चाहिए, मही जो है ये भी स्टार्ट होती है यहाँ पे एमपी से और एमपी से ये जाती है गल्फ ऑफ खंबाट में। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमने जो रिवर्स पढ़ी, जो पेनिनसुलर रिवर्स पढ़ी, उनमें सबसे पहली रिवर जो थी वो महानदी थी छत्तीसगढ़ उड़ीसा से, फिर उसके बाद गोदावरी, फिर कृष्णा और फिर कावेरी। सो महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये सारी हैं ईस्ट फ्लोइंग। फिर उस वेस्ट फ्लोइंग में हमने सबसे पहली महानदी देखी जो अमरकंटक प्लेटू से निकलती है, सोन रिवर भी निकलती है वहीं से जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, फिर उसके बाद उसके नीचे ताप्ती है और ऊपर है जिसे हम मही कहते हैं। सो ये आपको याद होनी चाहिए, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, मही, नर्मदा और ताप्ती। तो दीज आर कॉल्ड एज द पेनिनसुलर रिवर्स। इनको वन बाय वन थोड़ा डेप्थ में देखेंगे। सबसे पहले हम महानदी रिवर को देखेंगे। तो महानदी कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है। छत्तीसगढ़ में एक माउंटेन है जिसे सिहावा कहते हैं, SIHAVA। तो महानदी सिहावा माउंटेन से निकलती है जो कि रायपुर है, रायपुर कैपिटल है छत्तीसगढ़ की, वहीं से निकलती है महानदी। याद रखना है महानदी का ओरिजिन सिहावा माउंटेन, सिहावा माउंटेन जो कि रायपुर में है, सिहावा माउंटेन रायपुर छत्तीसगढ़, और आगे जाती है उड़ीसा के थ्रू बे ऑफ बंगाल में जाती है। और याद रखना है ये कौन सी है, ईस्ट फ्लोइंग है कि वेस्ट फ्लोइंग है, इट इज़ ए ईस्ट फ्लोइंग रिवर, की ईस्ट की तरफ जाती है। कौन कौन सी स्टेट के थ्रू जाती है, पहले छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा के थ्रू बे ऑफ बंगाल में जाती है। अब इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट डैम है जिसे हीराकुड डैम कहते हैं, HIRAKUD। हीराकुड डैम इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट मैन मेड डैम है इन द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट याद रखना है, लॉन्गेस्ट LONGEST, लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा डैम जो है वो यही है। अब हाइएस्ट कौन सा है इंडिया में, तेहरी डैम आपने पढ़ा होगा उत्तराखंड में है, वो हम आगे देखेंगे। महानदी जो है, महानदी के ऊपर हीराकुड डैम है और हीराकुड डैम इज द लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, वो भी इसी रिवर के ऊपर है। तो अब आपको याद रखना है महानदी में निकलती कहाँ से है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, उड़ीसा में जाती है। छत्तीसगढ़ में कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, रायपुर में एक माउंटेन है सिहावा माउंटेन, वहीं से निकलती है और उड़ीसा में ये आगे जाती है, इसी के ऊपर हीराकुड डैम भी है। अब नेक्स्ट इज गोदावरी। गोदावरी आपको याद रखना है कि गोदावरी पेनिनसुलर रिवर्स में सबसे लॉन्गेस्ट है, सबसे बड़ी रिवर जो है पेनिनसुलर रिवर वो गोदावरी है। एंड गोदावरी निकलती है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से निकलती है एक स्टेट, फिर जाती है ये तेलंगाना में, तेलंगाना के बाद ये छत्तीसगढ़ जाती है और छत्तीसगढ़ के बाद ये आंध्रा में जाती है। तो चार स्टेट्स के थ्रू जाती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश, ये चार आपको याद होनी चाहिए। और ये लार्जेस्ट रिवर है, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। अब ये कहाँ से निकलती है, ये यहाँ पे महाराष्ट्र में एक सिटी है जिसे नासिक कहते हैं, नासिक में त्र्यंबकेश्वर नाम की एक जगह है, त्र्यंबकेश्वर याद रखना है, त्र्यंबकेश्वर नासिक से गोदावरी निकलती है और ये एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है और ये बे ऑफ बंगाल में जाती है। अब गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, दक्षिण गंगा मीन्स साउथ गंगा। अब दक्षिण गंगा हमने देखा था कि दक्षिण गंगा जो अंटार्कटिका है वहां पे रिसर्च फैसिलिटी है इंडिया की, उसको भी दक्षिण गंगा नाम से जानते हैं। तो याद रखना है गोदावरी निकलती है महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर जगह से, त्र्यंबकेश्वर नासिक इज द ओरिजिन ऑफ गोदावरी, फिर महाराष्ट्र से निकल के आगे तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के थ्रू ये आगे जाती है।
अब कृष्णा रिवर है, कृष्णा रिवर भी महाराष्ट्र से ही निकलती है लेकिन आगे जाती है कर्नाटक में, फिर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे जो अभी हमने देखा कि गोदावरी भी निकलती थी महाराष्ट्र से लेकिन वो जाती थी पहले तेलंगाना में फिर छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ से ये नहीं जाती है, उसके बदले ये कर्नाटक के थ्रू जाती है, ये भी चार स्टेट्स के थ्रू जाती है और ये महाराष्ट्र से ही निकलती है। अब ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है महाबलेश्वर से, याद रखना है। गोदावरी निकलती थी त्र्यंबकेश्वर से, कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से, ये भी चार स्टेट्स के थ्रू जाती है और ये बे ऑफ बंगाल में जाती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कृष्णा वाटर डिस्प्यूट। अब ये रिवर जो है ये चार स्टेट्स के थ्रू जाती है, सो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक, इन तीन स्टेट्स के बीच में ये कृष्णा वाटर डिस्प्यूट चल रहा है। अब इंपॉर्टेंट, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसे मूसी कहते हैं, याद रखना है, मूसी, मूसी रिवर, MUSI, ये ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की और उसी मूसी रिवर के ऊपर हैदराबाद लोकेटेड है। याद रखना है कि यहाँ पे इसमें एक, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसे मूसी कहते हैं, MUSI, तो मूसी रिवर के ऊपर ही है जो कि हैदराबाद सिटी लोकेटेड है। याद रखना है मूसी इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा, कृष्णा के ही सॉरी उसी मूसी के ऊपर हैदराबाद है। एंड देन वी हैव अनदर रिवर। अब ये रिवर्स जो थी, ये कौन से रिवर्स हैं, ये थी जो कि पेनिनसुलर रिवर्स थी लेकिन जो बे ऑफ बंगाल में जाती है, मतलब जो कि ईस्ट फ्लोइंग है। अब हम देखेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, सॉरी अभी हम, अब हम देखते हैं कावेरी। नेक्स्ट जो फाइनल ईस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुलर रिवर, वो कावेरी है। अब कावेरी जो है ये निकलती है कर्नाटक से, ये भी दो स्टेट्स के थ्रू ही जाती है, जैसे महानदी यहाँ पे छत्तीसगढ़ उड़ीसा से जाती थी, ये भी दो स्टेट से जाती है, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। ये निकलती है कर्नाटक में, एक ताल कावेरी नाम की जगह है, ताल कावेरी, जो कि ब्रह्मगिरी रेंज है, यहाँ पे एक माउंटेन है जिसे ब्रह्मगिरी माउंटेन रेंज कहते हैं, वहीं पे ताल कावेरी रीजन से ये निकलती है। अब ताल कावेरी ऑप्शन में तो देंगे नहीं, तो अब आपको याद रखना है कि ये ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है, तो कावेरी ब्रह्मगिरी रेंज कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु के थ्रू बे ऑफ बंगाल में जाती है। देन वी हैव द इम्पॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर जिसे हम नर्मदा कहते हैं। अब नर्मदा निकलती है यहाँ पे अमरकंटक प्लेटू से, याद रखना है अमरकंटक प्लेटू, जहाँ से सोन रिवर निकलती है जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, वहां से निकलती है और यहाँ पे इसके एक साइड से नीचे से एक माउंटेन रेंज है और ऊपर से भी एक माउंटेन रेंज है। अब नीचे जो माउंटेन रेंज है उसे सतपुरा कहते हैं, सतपुरा रेंज, और ऊपर जो माउंटेन रेंज इसके पैरेलल जाती है उसे हम कहते हैं विंध्या। तो विंध्या और सतपुरा के बीच में एक रिफ्ट वैली है, रिफ्ट वैली याद रखना है, रिफ्ट वैली का मतलब है कि ये कैसे बना था कि दरअसल यहाँ पे एक वैली बनी है रिफ्टिंग की वजह से। ये रिफ्टिंग का मतलब है कि यहाँ पे जो ये वाली प्लेट है ये ऊपर की तरफ गई और जो यहाँ पे ये नीचे की तरफ गई, तो बीच में एक क्रैक बन गया, एक वैली बन गई जिसे रिफ्ट वैली कहते हैं। तो यहाँ पे माउंटेन रेंज बनी जिसे सतपुरा जिसे विंध्या कहते हैं और यहाँ पे बनी जिसे सतपुरा कहते हैं। तो याद रखना है कि नर्मदा विंध्या और सतपुरा के बीच में जो रिफ्ट वैली है उसी के थ्रू बहती है। तो मे बी क्वेश्चन ये पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर पासिस थ्रू ए रिफ्ट वैली या फ्लोज थ्रू ए रिफ्ट वैली, तो याद रखना है वो नर्मदा है। और कौन कौन सी माउंटेन रेंज के बीच में से ये जाती है, ऊपर है इसके जिसे विंध्यान रेंज कहते हैं और नीचे है सतपुरा रेंज, और इंपॉर्टेंट है कि ये अमरकंटक प्लेटू से निकलती है मध्य प्रदेश में। और इंपॉर्टेंट चीज है कि नर्मदा के ऊपर ही धुआंधार फॉल्स हैं, धुआंधार फॉल्स के बारे में शायद आपने पढ़ा होगा, ये एक वाटरफॉल है जो कि इसी के ऊपर जबलपुर रीजन MP में है। अब इसमें आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, सरदार सरोवर डैम एक है, जैसे हमने अभी देखा था गोदावरी इसके ऊपर, महानदी के ऊपर हमने देखा था हीराकुड डैम, ऐसे ही नर्मदा के ऊपर है सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम जो है वो इसी रिवर के ऊपर है और उसी सरदार सरोवर डैम या प्रोजेक्ट के पास में है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बनाया गया अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले स्टैचू बनाया गया, वो इसी नर्मदा रिवर के किनारे पे नियर सरदार सरोवर डैम है। ये इंपॉर्टेंट है, दैट स्टैचू ऑफ यूनिटी इज ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर नियर द सरदार सरोवर डैम, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद होनी चाहिए। तो नर्मदा के बारे में इंपॉर्टेंट याद रखना है, इसका ओरिजिन अमरकंटक प्लेटू कहाँ से जाती है, एक रिफ्ट वैली के थ्रू जाती है जहाँ पे विंध्या और सतपुरा के बीच में से ये जाती है, और इसी के ऊपर सरदार सरोवर डैम है और उसी सरदार सरोवर डैम के पास में नर्मदा रिवर के बैंक्स पे है स्टैचू ऑफ यूनिटी, इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो है ताप्ती, ताप्ती या तापी, ये जो नर्मदा थी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द लार्जेस्ट लेकिन वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर, तो अभी हमने देखा कि जो लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है वो गोदावरी है जो कि ऐसे जाती है, लेकिन वो है ईस्ट फ्लोइंग, क्या है,
ईस्ट फ्लोइंग. सो गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, लेकिन वो एक ईस्ट फ्लोइंग है. तो अब अगर आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर, वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर आपको सबसे बड़ी याद रखना है वो यही नर्मदा है. तो नर्मदा इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर. अब ये ताप्ती जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट है, ये भी एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है. इतना आप याद रख सकते हो, या फिर आप ये भी याद रख सकते हो कि ये बैतूल प्लेटू से निकलती है, मध्य प्रदेश से ही निकलती है. इसके बाद और एक रिवर है जिसे मही कहते हैं. मही रिवर इंपॉर्टेंट है. मही रिवर जो अभी हमने देखा कि विंध्या और सतपुरा रेंज, विंध्या से निकलती है ये. और इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद रख सकते हो कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार क्रॉस करती है. आपने सुना होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के थ्रू इस तरह से जाता है, और ये मही रिवर जो है ये एक बार और दो बार इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करती है. तो अगर क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, तो याद रखना है वो है मही रिवर, जो कि एक वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है. देन वी हैव द लूनी रिवर, और एक रिवर है जिसे लूनी रिवर कहते हैं. अब ये लूनी रिवर है ये यहाँ पे अरावली से निकलती है, अरावली रेंज राजस्थान में, और इस तरह से आती है. अब लूनी रिवर के बारे में आपको याद रखना है कि लूनी रिवर ये आगे जाके यहाँ पे सी में या इस ओशन में ड्रेन नहीं होती है, रादर यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इस वजह से ये इसी रीजन में सूख जाती है. तो यहाँ से आते आते ये यहाँ पे रन ऑफ कच्छ है, तो ये रन ऑफ कच्छ में ही सूख जाती है. तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी रिवर है जो लैंड में ही ड्रेन हो जाती है, ये यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाती, ये सी तक पहुंच ही नहीं पाती. इसके अलावा भी कुछ रिवर्स हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिवर दैट ड्रेन्स इनटू लैंड, जो किसी वाटर बॉडी में ड्रेन नहीं होती बल्कि लैंड में ही ड्रेन हो जाती है, तो याद रखना है वो है लूनी रिवर. इसे सॉल्ट रिवर भी कहते हैं. सो दीज आर द रिवर्स. अभी हमने देखा कि इंडियन रिवर्स के हमने दो डिवीजन किए, ऊपर के रिवर्स नॉर्दर्न रिवर्स थे, नीचे के जो थे वो पेनिनसुलर रिवर्स थे. नॉर्दर्न रिवर्स में हमने पढ़े इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और पेनिनसुलर रिवर्स के हमने दो डिवीजन किए. ईस्ट फ्लोइंग में हमने देखा महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी, एंड वेस्ट फ्लोइंग में हमने सबसे बड़ी रिवर जो देखी वो थी महानदी, ये अमरकंटक प्लेटू से निकलती है, विंध्य और सतपुरा के बीच की रिफ्ट वैली से निकलती है, देन उसके बाद तापी, फिर ऊपर से आती है मही. सो अगर हम रिवाइज करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स को एक बार से ताकि आपको चीजें याद हो, सबसे पहली रिवर जो देखी हमने वो महानदी थी. ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के थ्रू जाती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर में, वहां पे ये निकलती है. एंड इफ यू सी गोदावरी सबसे बड़ी रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की, ये निकलती है त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से, चार स्टेट से होती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश. उसके बाद हमने देखा कृष्णा, ये भी चार स्टेट से जाती है. स्टार्ट कहाँ से होती है, ये स्टार्ट होती है ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, इन चार स्टेट्स के थ्रू जाती है. देन उसके बाद हमने देखा कावेरी, ये दो ही स्टेट्स के थ्रू जाती है, ये जाती है कर्नाटक एंड तमिलनाडु के थ्रू, और कर्नाटक से ये निकलती है. देन वी हैव द नर्मदा कहाँ से निकलती है, ये अमरकंटक प्लेटू से निकलती है, फिर विंध्या और सतपुरा के बीच से निकलती है, अभी हमने देखा. तो ये ताप्ती है, फिर उसके बाद मही रिवर है. सो दीज आर ऑल द रिवर्स जिनके बारे में आपको पता होने चाहिए. अब हम देखते हैं कि डिफरेंट स्टीज, इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी स्टीज हैं जो कि रिवर्स, इंपॉर्टेंट रिवर्स जो हमने देखी उन्हीं के बैंक्स पे सिचुएटेड है. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट दिल्ली. अब दिल्ली जो है, दिल्ली यमुना के किनारे है. आपने सुना होगा कि दिल्ली की मेन रिवर जो है वो यमुना है. इसमें आपने देखा होगा कि इसमें वो फोम का पोल्यूशन होता है, उसकी वीडियोस, फोटोज और वीडियोस वायरल हुई थी लास्ट ईयर. तो याद रखना है कि दिल्ली की इंपॉर्टेंट रिवर जो है वो यमुना है, या आप याद रख सकते हो कि यमुना जो है, सॉरी, दिल्ली जो है वो यमुना के किनारे बसा हुआ है. एनदर इज आगरा. आगरा भी यमुना के किनारे है. आपने सुना होगा कि जो ताजमहल है, ताजमहल के पास से जो रिवर बहती है वो यमुना ही है, और ये भी कहा जाता है कि यमुना के किनारे ही ताजमहल है, और ताजमहल आगरा में है. तो अब इस तरह से आप याद रख सकते हो कि आगरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना. देन वी हैव पटना. पटना गंगा के किनारे है. दरअसल जो सोन है, सोन रिवर अभी हमने जो देखी, सोन रिवर जो है वो मिलती है गंगा के साथ पटना में ही. सो पटना गंगा के किनारे है. हरिद्वार भी गंगा के किनारे है. हरिद्वार कहाँ है, उत्तराखंड. देन वी हैव अलाहाबाद जो है वो अभी हमने देखा प्रयागराज, जिसका अब नाम रखा गया, वहां पे गंगा और यमुना मिलते हैं. देन वी हैव वाराणसी, जिसे बनारस कहते हैं. वाराणसी और बनारस गंगा के किनारे है.
गुवाहाटी कैपिटल है असम की, वो ब्रह्मपुत्र के किनारे है, असम इज हियर और गुवाहाटी यहाँ पे है और ये ब्रह्मपुत्र के किनारे है। कानपुर उत्तर प्रदेश में है और ये भी गंगा के किनारे है। जबलपुर, जबलपुर नर्मदा के किनारे है, जबलपुर है मध्य प्रदेश में, सो यहाँ पे जबलपुर है और जबलपुर जो है वो नर्मदा के किनारे बसा हुआ है। देन वी सॉ लखनऊ, लखनऊ गंगा की एक ट्रिब्यूटरी थी यहाँ पे जिसे गोमती कहते हैं और गोमती के किनारे ही लखनऊ बसा है। लखनऊ है कैपिटल उत्तर प्रदेश की। हैदराबाद, हैदराबाद अभी हमने देखा कि कृष्णा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जिसे कहते हैं मूसी, उसी मूसी रिवर के किनारे हैदराबाद है। देन वी सॉ नासिक, नासिक महाराष्ट्र में है और ये गोदावरी के किनारे बसा हुआ है, रदर जो नासिक से ही निकलती है गोदावरी वहां पे त्र्यंबकेश्वर रीजन से। देन वी सॉ श्रीनगर, श्रीनगर आपको पता ही होगा जहलम के किनारे है। कोलकाता, कोलकाता इज हियर, यहाँ पे गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है जिसे हुगली कहते हैं, उसी हुगली रिवर के किनारे कोलकाता बसा हुआ है। देन वी सॉ अहमदाबाद, अहमदाबाद इज इन गुजरात एंड गुजरात से निकलती है एक रिवर जिसे साबरमती रिवर कहते हैं, याद रखना है कि अहमदाबाद साबरमती रिवर के किनारे है। देन वी हैव सूरत, सूरत कैपिटल है गुजरात की, वो ताप्ती के किनारे है, याद रखना है ताप्ती के किनारे सूरत बसा हुआ है। देन वी सॉ अयोध्या, अयोध्या सरयू के किनारे है, सरयू एक यहाँ पे हमने देखा था गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है और उसी के किनारे अयोध्या है, अयोध्या आपको पता ही होगा। देन वी हैव लुधियाना, लुधियाना पंजाब की एक स्टेट है और पंजाब की एक सिटी है और वो सतलुज के किनारे है, याद रखना है लुधियाना, लुधियाना सतलुज के किनारे है, जो सबसे नीचे जो वाली ट्रिब्यूटरी है इंदस की सतलुज उसी के किनारे लुधियाना है। देन वी हैव कुल्लू, कुल्लू कुल्लू मनाली आपने सुना होगा, कुल्लू हिमाचल प्रदेश में है और कुल्लू के किनारे, कुल्लू ब्यास रिवर के किनारे है। सो दीज आर द सिटीज एंड द रिवर्स जिनके ऊपर वो बसे हुए हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जम्मू, जम्मू इज द फाइनल वन, जम्मू आपको पता ही होगा तवी रिवर के किनारे। देन सम इंपॉर्टेंट डैम्स एंड द रिवर्स, सबसे पहला डैम जो है दैट्स सरदार सरोवर डैम, अभी हमने देखा कि नर्मदा के किनारे सरदार सरोवर डैम है और उसी के पास जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी है और ये गुजरात में है। देन वी हैव द बाकरा नांगल डैम, बाकरा नांगल डैम हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे यहाँ पे है और ये सतलुज के, सतलुज पे बना हुआ है, याद रखना है ये सतलुज पे बना हुआ है बाकरा नांगल डैम जो कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे, और वो सतलुज के किनारे ही कौन सा शहर है, लुधियाना। देन वी हैव हीराकुड डैम, हमने अभी देखा कि हीराकुड डैम यहाँ उड़ीसा में है और ये किसके किनारे है, महानदी के किनारे, एंड हीराकुड इज द लॉन्गेस्ट मैन मेड डैम इन द वर्ल्ड। देन वी हैव तहरी डैम, तहरी डैम उत्तराखंड में ऊपर है और उत्तराखंड में गंगा जब निकलती है तो ये पहले भागीरथी के नाम से निकलती है, कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर से, और उसी भागीरथी रिवर के ऊपर है तहरी डैम, याद रखना, और तहरी है हाईएस्ट डैम इन इंडिया, हाईएस्ट डैम इन इंडिया इज तहरी डैम और वो है भागीरथी, भागीरथी जो गंगा को पहले जो आप मान सकते हो ट्रिब्यूटरी है उसकी, या गंगा को पहले भागीरथी कहा जाता है जब वो गंगोत्री से निकलती है, उसी पर बना हुआ है तहरी डैम। देन वी हैव नागार्जुना सागर, नागार्जुना सागर तेलंगाना में है और वो कृष्णा रिवर के किनारे, कृष्णा रिवर पे बना है, याद रखना है कृष्णा पे बना है नागार्जुना सागर। सो दीज आर द डैम्स एंड द स्टेट्स जिनके ऊपर ये बने हुए हैं और रिवर्स जिनके ऊपर ये बने हुए हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंट रिवर्स और इनके ओरिजिन, ये हमने अभी देखा, यू कैन चेक दिस, आप इन इसको इसकी स्क्रीन, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको आप अपनी जगह पे सेव रख सकते हो, वन बाय वन हमने ये सारी देख ली थी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।